हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले माइक्रो नीश डोमेन होता क्या है, किस तरीके से आपको उस पर काम करना है, किस तरीके से वेबसाइट बनानी है और मिलियंस ऑफ ट्रॉफिक किस तरीके से आपकी वेबसाइट पर आता रहेगा, उसका सबसे पहले प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद सिखाऊंगा कि माइक्रो नीश डोमेन क्यों अच्छा है और किस तरीके से आपको उस पर काम करना चाहिए और कितना ट्रॉफिक आ सकता है। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक या दो यहाँ पर एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम प्रो यहाँ पर सर्च कर और उसके बाद देख सकते हो इस तरीके से कुछ वेबसाइट आ चुकी है। तो जैसे कि मैं इन्हें न्यू टैब पर ओपन कर लेता हूं और उसके बाद दूसरी वेबसाइट को भी मैं न्यू टैब पर ओपन कर लेता हूं और उसके बाद देख सकते हो इस वेबसाइट का मंथली ट्रैफिक मैं आपको चेकआउट करके बता देता हूं। जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो आराम से मंथली यहां से मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आ रहा है, यानी कि बहुत ही तगड़ा ट्रैफिक है। आराम से इसकी इनकम $2000 से प्लस होगी, ठीक है, $2000 प्लस इस वेबसाइट की इनकम होगी। और मैं आपको बता दूं माइक्रो नीश पर आपको सिर्फ एक ही बार काम करना पड़ता है और अनलिमिटेड ट्रॉफिक आप अपनी वेबसाइट पर ला सकते हो। जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो दूसरी भी वेबसाइट में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो एडसेंस का अप्रूवल यहाँ पर इस वेबसाइट पर है और उसके बाद यहाँ से देख सकते हो एड्स बाय गूगल और उसके बाद इस वेबसाइट का ट्रॉफिक मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से सिमिलर वेब में तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर बूम इतना ज्यादा ट्रॉफिक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, 12 मिलियन और उसके बाद 9 मिलियन और उसके बाद 12+ मिलियन मंथली ट्रॉफिक है। तो समझ सकते हो आराम से इस वेबसाइट की मंथली की इनकम $5000 प्लस होगी, ठीक है। और इसी तरीके से आपको मैं काम करना सिखाऊंगा और उसके बाद ऐसे कंट्री का ट्रॉफिक दे सकते हो। और दूसरा भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर काइन मास्टर या से प्रो या से सर्च कर लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने सिर्फ प्रो सर्च कर लिया और उसके बाद ऐसे दे सकते हो। माइक्रो निश डोमेन पर होता क्या है समझ लेना अच्छे से, ठीक है, यानी कि हमारा जो कीवर्ड होता है, जैसे कि हमें ऐसे एक काइन मास्टर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने के लिए हम इस तरीके से काइन मास्टर प्रो सर्च करेंगे। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं कि हमारा डोमेन होता है उसी पर हम कीवर्ड का नाम लिख देते हैं। जैसे कि देख सकते हो काइन मास्टर प्रो यहाँ पर डोमेन का नाम ही है, जैसे काइन मास्टर प्रो डॉट सीसी और उसके बाद दूसरी सेकेंड वेबसाइट आ रही है जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो काइन मास्टर डॉट प्रो, इस तरीके से उसका भी डोमेन सेम टू सेम है और उसके बाद इस तरीके से काइन मास्टर एप डॉट प्रो इस तरीके से, यानी कि हमारा डोमेन का नाम भी वही होना चाहिए। तो इसी तरीके से माइक्रो निश पर लोग काम करते हैं और मिलियंस ऑफ ट्रॉफिक लेकर आ जाते हैं। तो इसके भी मैं कुछ वेबसाइट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ न्यू टैब पर, ठीक है। इसे मैंने ओपन कर लिया और उसके बाद इसे भी मैं ओपन करता हूँ न्यू टैब पर और उसके बाद प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस वाली वेबसाइट को मैंने ओपन कर लिया और उसके बाद इसे मैं सिमिलर वेब में जाऊंगा और इसका ट्रॉफिक दिखाऊंगा। तो जैसे कि देख सकते हो अभी न्यू वेबसाइट है उसके बावजूद आराम से यहाँ से 5 लाख 6 लाख इस तरीके से ट्रॉफिक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि ट्रॉफिक भर भर कर आता है। और उसके बाद ट्रॉफिक की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा ट्रॉफिक इंडिया से है, बाकी के कंट्री आप ऐसे देख सकते हो बांग्लादेश पाकिस्तान इस तरीके से, और ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर सर्च कर कर ट्रॉफिक आता हुआ मिल जाएगा और बाउंस रेट भी बहुत ही अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है। और उसके बाद दूसरी भी वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया है और उसका भी मैं आपको यहाँ पर सिमिलर वेब में ट्रॉफिक दिखा देता हूँ और उसके बाद देख सकते हो इतना ज्यादा तगड़ा ट्रॉफिक आपको देखने के लिए मिल जाएगा और सारे का सारा ट्रॉफिक इंडिया से देखने के लिए मिल जाएगा, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी कुछ ट्रॉफिक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ से देख सकते हो सर्च से ऐसे करीब 70% सर्च से एक ट्रॉफिक आ जाता है और गूगल का एडसेंस का अप्रूवल भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से वेबसाइट आपको मैं बनाना सिखाने वाला हूँ। अभी की बात करें तो ब्लॉगिंग में माइक्रो निश बहुत ही ट्रेंडिंग पर चल रहा है क्योंकि माइक्रो निश पर बहुत ही कम काम करना पड़ता है और ट्रॉफिक भर भर कर आता है, ठीक है। जैसे कि हम वेब स्टेज पर काम करते थे, वेब स्टेज पर बहुत ही ज्यादा बहुत ही जल्द इनकम होती थी, बहुत ही ज्यादा ट्रॉफिक आता था, ठीक है। उसी तरीके से माइक्रो निश अभी ट्रेंडिंग पर चल रहा है, ठीक है। तो माइक्रो निश ब्लॉग पर आपको किस तरीके से काम करना है चलिए जान लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको रिसर्च करना पड़ेगा कौन सा डोमेन बहुत ही ज्यादा सर्च किया जाता है और उस डोमेन को आपको बाय करना पड़ेगा, उस पर वेबसाइट बनानी पड़ेगी। यानी कि आपको तो समझ में आ गया होगा कि आपको जिस कीवर्ड को लोग सर्च करते हैं उसी को आपको यहाँ पर डोमेन बाय करना है, यानी कि उसी नाम का आपको डोमेन बाय करना है और उस पर आपको सिर्फ एक ही पेज पर अच्छी सी बड़ी पोस्ट लिखनी है और उस पर आपको एडसेंस का अप्रूव भी मिल जाता है, ट्रॉफिक भी भर भर कर आता है, ठीक है। यानी कि काम बहुत ही कम होता है और बहुत ही ज्यादा ट्रॉफिक बहुत ही ज्यादा इनकम होती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कीवर्ड सर्च करना पड़ेगा, उसके लिए आप सेमरुश का सहारा ले सकते हो। आप डायरेक्टली इस तरीके से गूगल पर टाइप कर सकते हो कीवर्ड मैजिक टूल, ठीक है, इस तरीके से, और उसके बाद फर्स्ट वाली वेबसाइट आपको मिल जाएगी। इस जैसे वाले वेबसाइट को आपको सबसे पहले ओपन करना है। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक अकाउंट पर आप ऐसे 10-12 कीवर्ड आराम से रिसर्च कर सकते हो, उन पर कितना ट्रॉफिक आता है, कहाँ कहाँ से आता है, कितना कॉम्पिटिशन है, सारा आपको इसमें समझ में आ जाता है। और उसके बाद आपको इसका प्रीमियम प्लान बाय करना पड़ता है, लेकिन उसकी भी मैं ट्रिक आपको बता देता हूँ। अनलिमिटेड बार आप किस तरीके से सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं साइन अप इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद आपको आराम से अनलिमिटेड ईमेल मिल जाएंगे,
उनकी वजह से आप आराम से यहाँ पर अनलिमिटेड बार इस टूल का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो किस तरीके से आपको यूज करना है उसके लिए आपको एक एक्सटेंशन आपके क्रोम में ऐड करना पड़ेगा। इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से देख सकते हो, टेम्प मिल। ठीक है, इस एक्सटेंशन को आपको अपने क्रोम में ऐड कर देना और उसके बाद यहाँ से मैं इसे कॉपी करूंगा इस ईमेल को और यहाँ से सिंपल अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पर ईमेल डाल दूंगा। डालने के बाद एक पासवर्ड आप यहाँ से कोई भी क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारे पासवर्ड यहाँ से क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ जाता है, कोई भी पासवर्ड आप अपने हिसाब से ऐसे क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे, चाहो तो आप दूसरा भी ईमेल ऐसे ले सकते हो, यहाँ पर चेंज का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ता है और उसके बाद आपको आराम से दूसरा ईमेल भी मिल जाता है। ठीक है, ऐसे ही अनलिमिटेड ईमेल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, अभी आप ऐसे देख सकते हो ब्लॉक लिखा रहा है, तो हम यहाँ पर चेंज इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आएंगे और उसके बाद ईमेल इसे डाल देंगे और पासवर्ड हम यहाँ से थोड़ा सा और अलग बना देते हैं और उसके बाद क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आराम से हमारा अकाउंट ऐसे बनकर रेडी हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो इस ईमेल पर हमें ऐसे वेरिफिकेशन ऐसे एक कोड सेंड किया जाएगा, तो वो कोड आपको यहाँ पर इसी ईमेल पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आना है और उसके बाद इनबॉक्स का ऑप्शन है, आप इसे क्लिक करेंगे और इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ से देख सकते हो आपको यहाँ पर इनबॉक्स मिल जाएगा, यानी कि आपके ईमेल का बॉक्स मिल जाएगा और उसमें आपको यहाँ पर इस तरीके से वेरिफिकेशन कोड मिल जाएगा, सिंपल आपको कॉपी करना है। उसके बाद आपको आना है यहाँ पर सेमरुश वाले ऑप्शन पर और उसके बाद यहाँ से कोड आपको इंटर करना है, देन यहाँ से कंफर्म ईमेल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद सिंपल आपका अकाउंट ऐसे वेरीफाई हो जाएगा, आपका अकाउंट बनकर रेडी हो जाएगा। इसे आप 7 दिन के लिए यूज कर सकते हो या से 10-12 कीवर्ड आराम से रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो स्किप का ऑप्शन है, आप स्किप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे कि देख सकते हो यहाँ से कीवर्ड मैजिक टूल को आप अब यूज कर सकते हो, कोई भी यहाँ से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ से कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इंडिया, आप अदर कंट्री को भी टारगेट कर सकते हो। जैसे कि इंडिया के लिए मैं यहाँ पर सर्च करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं एपीके डालता हूँ। ठीक है, एपीके यानी कौन कौन से एपीके सर्च करते हैं लोग, कौन कौन से कीवर्ड सर्च करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो इस तरीके से ये जो एपीके है बहुत ही तगड़ा इन पर रिसर्च किया जाता है, सर्चेस किए जाते हैं, जैसे कि मिलियंस ऑफ ट्रॉपिक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, माइक्रो निश डोमेन आपको ढूंढना पड़ेगा, उसी नाम का आपको कीवर्ड के नाम का डोमेन यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए केडी का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर, यानी कि कंपटीशन कितना है वो आपको सबसे पहले सिलेक्ट करना है, यानी कि आपका कंपटीशन बहुत ही कम होना चाहिए और कीवर्ड जो सर्च करते हैं बहुत ही हाई होना चाहिए, यानी कि टॉपिक भर भर कर आए। ठीक है, तो इजी यहाँ पर देख सकते हो, वेरी इजी का ऑप्शन है, आप इसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि इस कीवर्ड पर बहुत ही कम कॉम्पिटिशन होगा, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर 3 लाख प्लस यहाँ पर सर्चेस है और कॉम्पिटिशन की बात करें तो बहुत ही कम कॉम्पिटिशन है, यानी कि ना के बराबर कॉम्पिटिशन है। और इसी तरीके से बहुत सारे आपको कीवर्ड देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि काइन मास्टर मोड एपीके, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले काइन मास्टर वाली वेबसाइट दिखा दी है और उन पर आप ऐसे देख सकते हो उनके डोमेन में इसी तरीके से होता है, जैसे कि देख सकते हो काइन मास्टर प्रो इस तरीके से, मोड इस तरीके से, एपीके। ठीक है, और इसी तरीके से आपको कीवर्ड को टारगेट करना है, चाहो तो आप दूसरा भी ऐसे सर्च कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर आप प्रो सर्च कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद प्रो में कौन-कौन से कीवर्ड सर्च किए जाते हैं वो आपको यहां पर दिख जाएगा, जैसे कि देख सकते हो यहां से 70,000 प्लस ऐसे सर्च वॉल्यूम में, बहुत ही तगड़ा सर्च वॉल्यूम में, कॉम्पिटिशन भी बहुत ही कम है और इसमें इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे काइन मास्टर प्रो है इस तरीके से। ठीक है, और उसी तरीके से आप ऐसे इंस्टाग्राम दूसरे भी एप्लीकेशन होते हैं। चलिए अब मैं आपको दूसरा कीवर्ड यहाँ से सर्च करके दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं दूसरा जैसे कि डाउनलोड यहाँ से सर्च करता हूँ। ठीक है, डाउनलोड मैंने सर्च कर लिया और उसके बाद ऐसे देख सकते हो डाउनलोड पर कौन कौन से कीवर्ड रिसर्च किए जाते हैं, तो आप ऐसे देख सकते हो अभी मूवी का आपको दिखाई दे रहा है और उसके बाद ये तो मूवी है, आप इसकी भी वेबसाइट बना सकते हो, डायरेक्टली इस कीवर्ड की वेबसाइट बना सकते हो, सारा का सारा टॉपिक आपके ही वेबसाइट पर आ जाएगा। किस तरीके से आपको बनाने में आपको दिखा देता हूँ, इसको कीवर्ड को हमने कॉपी कर लिया और उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे डोमेन पर और उसके बाद ऐसे सर्च करेंगे डोमेन है या नहीं, तो उसके बाद आपको दिखाया जाएगा ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं, तो आप ऐसे देख सकते हो ये डोमेन किसी ने ले लिया है, तो जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो, और बाकी के डोमेन आप ऐसे ले सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में आप ये डोमेन खरीद सकते हो, जैसे कि बहुत सारे जैसे कि 100-200 में आपको आराम से डोमेन मिल जाता है, किस तरीके से वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप XYZ भी डोमेन ले सकते हो, वो भी एडसेंस का अप्रूवल, उस पर भी एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। जैसे कि इसकी प्राइस कितनी होती है मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं जाऊंगा ऐड टू कार्ट और उसके बाद दिखा देता हूँ इसकी फाइनल प्राइस कितनी है।
तो आप यहाँ से देख सकते हो, इसकी फाइनल यहाँ से 205 रुपये है, यानी कि 200 रुपीज में आपको ए डोमेन देखने के लिए मिल जाएगा। इससे भी कम वाला डोमेन आप यहाँ से बाय कर सकते हो, इसके भी कम वाली कीमत का डोमेन आप बाय कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे भी कम कीमत वाला डोमेन मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से मैं इसे सर्च करता हूँ। और उसके बाद दूसरा डोमेन आप खरीद सकते हो, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो इतने सारे डोमेन अवेलेबल है, तो आप ऐसे ऑनलाइन ले सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन का दिखा देता हूँ कितना रेट है। तो जैसे कि देख सकते हो, थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ से देख सकते हो डिस्काउंट लेकर आपको सिर्फ 1 से 4 रुपीज में आपको ये डोमेन देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि 106 रुपीज में आपको ये डोमेन मिल जाएगा सिर्फ आपको बहुत ही कम प्राइस में। तो यहाँ पर बहुत ही डिस्काउंट लागू हो चुका है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो होस्टिंगर की लिंक आपको मिलेगी वहां पर से अगर आप क्लिक कर कोई भी डोमेन लेते हो, तो आपको इस तरीके से इतना ज्यादा डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि बहुत ही कम आपको प्राइस में डोमेन देखने के लिए मिल जाता है। तो सोच सकते हो 100 रुपीज में आपको यहाँ पर डोमेन मिल जाता है। तो इस तरीके से आप डोमेन ले सकते हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा .com नहीं तो .in इंडिया के लिए आप डोमेन ले सकते हो, अदरवाइज ऑनलाइन होता है नहीं तो CC होता है, इस तरीके से डोमेन भी खरीद सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। XYZ भी डोमेन खरीद सकते हो, एडिशंस का अप्रूवल उन पर भी मिल जाता है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। तो आप अपने हिसाब से ऐसे 100-150 में यहाँ से कोई भी डोमेन खरीद सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्काउंट वाली लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ से देख सकते हो 97% का आपको डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरी अपलेट लिंक है, तो वहां पर आपको 97 नहीं तो 90% से ऊपर आपको डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि ना के बराबर आपको प्राइस देखने के लिए मिल जाएगी, उतनी आपको पे करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ से देख सकते हो 2000+ इसकी प्राइस है, लेकिन 100 रुपीज में आपको ये डोमेन मिल जाएगा। इसी तरीके से कोई भी डोमेन आप खरीद सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर दूसरा भी यहाँ पर सर्च किया था, यहाँ से प्रो मैंने सर्च कर लिया, और उसके बाद कौन सा कीवर्ड मिल जाता है देख लेते हैं। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर काइन मास्टर प्रो APK, ठीक है, इस पर ट्रॉफिक भी अच्छा है और यहाँ पर सर्च भी अच्छे आते हैं। ठीक है, इस तरीके से तो मैं इसी पर डोमेन बाय कर अभी आपको वेबसाइट क्रिएट करके दिखाऊंगा, और उसके बाद किस तरीके से कितना ज्यादा ट्रॉफिक आता है अगले वाले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो जरूर आपको अगले वाले वीडियो भी देख लेने हैं। तो यहाँ पर मैं आऊंगा होस्टिंगर के डोमेन वाले पेज पर, और उसके बाद वो सर्च करूंगा और आपको दिखाऊंगा कितनी प्राइस इसकी है। तो जैसे कि मैंने सर्च कर लिया, और उसके बाद मैं थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको प्राइस दिखा देता हूँ, क्योंकि इतनी प्राइस बता रहा है तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी फाइनल प्राइस कितनी रहती है वो भी। तो जैसे कि देख सकते हो 300 के करीब मुझे इसकी प्राइस मिलने वाली है, इतना डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्काउंट आप भी ले सकते हो। अगर आपको डोमेन खरीदना है तो होस्टिंगर पर आपको किस तरीके से डोमेन मिलेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होस्टिंगर की वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी, वहां पर आपको जाना है, और उसके बाद वेबसाइट ओपन करने के बाद ऐसे डोमेन का ऑप्शन मिल जाता है, ऐसे सर्च डोमेन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जो भी डोमेन आपको चाहिए वो सर्च करोगे, अकाउंट बनाओगे और उसके बाद डोमेन बाय करोगे। ठीक है, इस तरीके से सिंपल प्रोसेस है। तो अभी मैं आपको वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपको एक होस्टिंग की भी जरूरत है, आप जान लेते हैं कि किस तरीके से आपको वेबसाइट डिजाइन करनी है, किस तरीके से वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो उसके लिए आपको एक होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी, अगर आपने पहले से ही कोई भी होस्टिंग यहाँ से खरीद कर रखी है तो उसी पर आप डायरेक्टली डोमेन बाय कर कनेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने होस्टिंग अभी तक नहीं खरीदी तो किस तरीके से होस्टिंग खरीदनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो होस्टिंगर से आप होस्टिंग खरीद सकते हो, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर से होस्टिंग ले सकते हो, क्योंकि बहुत ही चीप प्राइस में अच्छी खासी सर्विस आपको देखने के लिए मिल जाती है, साथ ही होस्टिंग भी आपको अच्छी खासी देखने के लिए मिल जाती है, और एक डोमेन आपको फ्री में देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से पेज आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर वेब होस्टिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है, या से और फीचर आप देख सकते हो 100 वेबसाइट आप ऐसे होस्ट कर सकते हो, साथ ही 100 GB का स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाता है, फिर आप वीकली बैकअप ले सकते हो, 24/7 आवर्स आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही ऐसे बहुत सारे फीचर आपको और भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि SSL सर्टिफिकेट आपको फ्री में देखने के लिए मिल जाता है 100 डोमेन के लिए, इतने सारे फीचर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो एड टू कार्ट का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, और उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपको यहाँ पर इस तरीके से आपके पास ओपन होकर आ जाएगा, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो। चाहो तो आप 1 मंथ के लिए ले सकते हो, 12 मंथ के लिए ले सकते हो, 24 मंथ के लिए, 48 मंथ के लिए आप ऐसे ले सकते हो। ठीक है, अगर आप बड़ी वाली होस्टिंग लेते हो, यानी कि बहुत दिनों के लिए होस्टिंग लेते हो, तो आपको बहुत ही कम कीमत में अच्छी खासी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी, आप अपने हिसाब से ऐसे ले सकते हो। और उसके बाद मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से। तो अभी आपको यहाँ पर बहुत ही चीप प्राइस में आपको होस्टिंग कैसे खरीदनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप ऐसे स्क्रीन पर देख सकते हो, ऐसे कूपन कोड डालने का ऑप्शन। तो अभी आप ऐसे देख सकते हो प्राइस कितनी है, तो प्राइस यहाँ पर 8,400 रुपीज आपको यहाँ पर प्लस प्राइस देखने के लिए मिल जाती है। तो
कुछ कूपन कोड मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए, तो इन कूपन कोड को आपको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और उसके बाद कूपन कोड यहाँ से डाल कर अप्लाई कर देता हूँ, और उसके बाद तुरंत यहाँ पर डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि जैसे तो ऐसे करीब ऐसे आपको 700-800 प्लस आपको डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। और उसी तरीके से दूसरा भी आप ऐसे डोमेन या से कूपन कोड यूज कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसे हटा कर या से दूसरा कूपन कोड यूज कर देख लेता हूँ। तो अभी यहाँ से देख सकते हो इतनी प्राइजें तो कम होकर इतनी आ चुकी है, तो दूसरा भी कूपन कोड मैं यूज करके दिखा देता हूँ। तो बहुत सारे कूपन कोड आपको बहुत ही कम कीमत में होस्टिंग खरीदने में मदद करती है, ठीक है। बहुत सारे कूपन कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो इसे मैं अभी यूज करके दिखा देता हूँ। तो इसे यूज करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो इतनी प्राइस है, ठीक है। तो अभी आप अपने हिसाब से देख सकते हो, कुछ कूपन कोड पर बहुत ही कम प्राइस देखने के लिए मिल जाती है। इतने सारे कूपन कोड मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे मिल जाएंगे, जो आपको अच्छा लगे वो आप ऐसे यूज कर सकते हो। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, एक कूपन कोड तभी काम करेंगे जब आप इस वाले वेबसाइट से होस्टिंग खरीदोगे, ठीक है, तभी ये कूपन कोड काम करेंगे सारे के सारे। तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसी पर आपको क्लिक कर इन कूपन कोड को आपको यूज करना है, ठीक है। तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से अकाउंट बना लेता हूँ, यहाँ पर मैं ये वाला प्लान सिलेक्ट करता हूँ, और उसके बाद यहाँ से मैं क्रिएट योर अकाउंट का ऑप्शन है, तो डायरेक्टली ऐसे गूगल से ऐसे साइन अप कर लेता हूँ, जिससे कि हमें ऐसे थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तो यहाँ पर साइन अप हो चुका है, और उसके बाद ऐसे कंट्री सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, स्टेट सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो आप अपनी स्टेट सिलेक्ट करोगे सबसे पहली बात, ठीक है। तो यहाँ से आपको स्टेट सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। आप अपने हिसाब से ऐसे स्टेट सिलेक्ट करोगे, और उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको जिप कोड डालना है, ठीक है, एड्रेस का पिन कोड आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से ऐसे पिन कोड डालोगे, और उसके बाद यहाँ से जो भी कूपन कोड आपको यूज करना है वो कूपन कोड यूज करोगे। इसमें बहुत सारे ऐसे भी कूपन कोड है, उनकी वजह से आपको बहुत ही कम प्राइस देखने के लिए मिल जाती है, तो इसे मैं यूज करके देख लेता हूँ। तो इसे यहाँ पर मैंने यूज कर लिया, और उसके बाद ऐसे देखे तो यहाँ पर करीब यहाँ से 1000 का डिस्काउंट ऐसे मिल चुका है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर इतना डिस्काउंट मिल चुका है, तो अभी मैं इसे यूज करता हूँ, चाहो तो आप दूसरा भी यूज कर देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के सिंपल प्रोसेस है, और उसके बाद पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर सकते हो, किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो, जैसे कि पेटीएम का भी ऑप्शन है, तो पेटीएम आप ऐसे सिलेक्ट करोगे, और उसके बाद ऐसे सबमिट सिक्योर पेमेंट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद इस तरीके से न्यू टैब में आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, सबसे पहले यहाँ से पेटीएम नंबर आपको डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो पेटीएम नंबर में डालकर यहाँ से प्रोसीड करता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी डालकर मैं यहाँ से वेरीफाई करूंगा, ठीक है। ओटीपी डाल दिया, और उसके बाद वेरीफाई में इस पर क्लिक करूंगा, और उसके बाद अगर आपके पास पेटीएम वॉलेट पर पैसे हो तो आप डायरेक्टली वही से पे कर सकते हो, अदरवाइज पेटीएम वॉलेट पर पैसे नहीं है तो आप बैंक में से ऐसे पे कर सकते हो, नहीं तो आपका डेबिट कार्ड जो भी लिंक होगा उससे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऐसे डेबिट कार्ड का सीवी कोड डाल दिया, और उसके बाद फिर से ओटीपी सेंड किया गया है, तो ओटीपी भी फिर से यहाँ पर डाल दूंगा पेमेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने ओटीपी डाल दिया, ओटीपी डालने के बाद यहाँ से सबमिट का ऑप्शन होता है, नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सबमिट कर लिया, और उसके बाद सबमिट करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, पेमेंट प्रोफाइल आपके पास ओपन होकर आ जाएगी, और उसके बाद आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा इस पेमेंट नंबर, यानी कि आपका पेमेंट यहाँ से सक्सेसफुली यहाँ से हो चुका है। अभी आपको पूछा जाएगा कि आपको यहाँ पर फ्री में डोमेन चाहिए या नहीं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर स्किप का ऑप्शन है, आप स्किप इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद ऐसे बिल्ड वेबसाइट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे, और उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली चाहो तो यहाँ से नीचे स्किप का ऑप्शन होता है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। स्किप करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा, तो और उसके बाद यहाँ से नीचे आने के बाद यहाँ से देखो तो यहाँ से डायरेक्टली क्लेम अ फ्री डोमेन का ऑप्शन है, आप ऐसे देखो तो चाहो तो बाय कर सकते हो, नहीं तो आपका पुराना डोमेन है तो आप वही ऐसे चिप कर सकते हो। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्री आपको यहाँ पर डोमेन मिल जाता है, अगर आप ऐसे होस्टिंग बाय करते हो तो फ्री में डोमेन बाय कर सकते हो। तो वो कैसे आपको बाय करना है, सबसे पहले सिलेक्ट करना है, ठीक है, आपको क्लेम करने के लिए सिलेक्ट करना है, और उसके बाद जो भी डोमेन आपको बाय करना है उसे आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है, जैसे कि .in, .com, xyz, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको डोमेन बाय करना है सबसे पहले देख लेना है, और उसके बाद उसे सिलेक्ट करना है, और उसके बाद आपका डोमेन डालना है, और उसके बाद यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है सर्च वाले ऑप्शन पर, ठीक है। और उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हो डोमेन इज अवेलेबल, और उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, जैसे कि देख सकते हो, और उसके बाद यहाँ से ऑटोमेटिकली डोमेन आ जाएगा, और उसी के ऊपर आपको यहाँ पर इस तरीके से सर्वर लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। तो सर्वर लोकेशन चाहो तो आप ऐसे इंडिया रहने दे सकते हो, अदरवाइज ऐसे चेंज कर सकते हो। तो अभी यहाँ से मैं चेंज करूंगा, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर यहाँ से एशिया इंडिया है, ठीक है। तो आप ऐसे कौन सी भी कंट्री ऐसे रख सकते हो, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ऐसे सर्वर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, जैसे कि ऐसे नॉर्थ अमेरिका है तो मैं ऐसे यूएसए रखूंगा, ठीक है, इसे सिलेक्ट कर लिया, नॉर्थ अमेरिका यूएसए, ठीक है। जैसे कि सर्वर बहुत ही फास्ट होता है, और वेबसाइट जो लोडिंग स्पीड होता है वो भी बहुत फास्ट होता है, तो इसे मैंने सिलेक्ट किया और इस तरीके से कंटिन्यू कर लिया, और कंटिन्यू करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, तो इंडिया कंट्री सिलेक्ट करके यहाँ से पर्सनल का ऑप्शन है यही पर रहने देंगे, और उसके बाद जैसे नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉन्टेक्ट डिटेल आपको फिलअप करनी है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पर फिलअप कर सकते हो, यहाँ से पर्सनल का ऑप्शन है तो पर्सनल ही रहने देंगे, कंट्री सिलेक्ट कर लिए, नेक्स्ट स्टेप का ऑप्शन है नेक्स्ट स्टेप इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद जैसे पेमेंट आपकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, यानी कि एड्रेस इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ईमेल आईडी और फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और उसके बाद रिलीजन जो भी स्टेट है वो आपका पास सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिटी और उसके बाद एड्रेस, पिन कोड, जिप कोड और उसके बाद मोबाइल नंबर इस तरीके से, क्योंकि आपने डोमेन बाय किया है तो डोमेन बाय करते समय ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। ठीक है, मोबाइल नंबर वगैरह सारा देना पड़ता है। ठीक है, एड्रेस भी आपका देना पड़ता है, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से डोमेन खरीदो तो आपको वहां पर पेमेंट इंफॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर डाल दिया, और उसके बाद चाहो तो आप ऐसे चेंज भी कर सकते हो, और उसके बाद ऐसे फिनिश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करोगे, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन ऐसे फिनिश हो जाएगा, आपका डोमेन भी आपने बाय कर लिया और उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी ऐसे कंप्लीट हो जाएगा जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इतनी प्रोसेस है होस्टिंग बाय करने की, और उसके बाद उसी के साथ डोमेन बाय करने की, उसके बाद ऐसे देख सकते हो यहाँ से डन लिखा आ रहा है। तो चाहो तो आप ऐसे डायरेक्टली आपकी वेबसाइट देख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली ऐसे सी पैनल में आप जा सकते हो, यानी कि एच पैनल होता है होस्टिंग का, उसमें जा सकते हो। ठीक है, तो मैनेज साइट का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करोगे, और उसके बाद ऐसे देख सकते हो रिडायरेक्ट किया जाएगा आपको अपने होस्टिंग करके एच पैनल में। तो एच पैनल में जाने के बाद इस तरीके से आ जाएगा, सबसे पहले आप चाहो तो दूसरी वेबसाइट ऐसे ऐड कर सकते हो, और उसके बाद आपने जो भी डोमेन खरीदा होगा तो वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार पेज रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, जैसे मैंने पेज रिफ्रेश कर लिया। ठीक है, पेज रिफ्रेश करने के बाद इस तरीके से आ जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नॉर्मली आपका जो भी डोमेन आपने खरीदा है तो उस पर अभी देख लेते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिव हुआ है नहीं, तो आप ऐसे डोमेन में जाकर ऐसे न्यू डोमेन खरीद सकते हो, जैसे एसएसएल का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करोगे, एसएसएल पर जाकर आप ऐसे देख सकते हो हमारा डोमेन दिखाई दे रहा है, और उसके बाद ऐसे एसएसएल सर्टिफिकेट स्टेटस ऐसे फेल्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो उसे भी ऐसे फिर से ऐसे रीइंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, यहाँ पर देख सकते हो एक्टिव, यानी कि कुछ देर अगर रुकते हो तो ऑटोमेटिकली एसएसएल सर्टिफिकेट भी ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है, कोई भी डरने की बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने डोमेन खरीद लिया है, यहाँ पर एसएसएल मिल जाता है। ठीक है, एसएसएल में जाकर ऐसे देख सकते हो फेल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे भी एक्टिव कर सकते हो, फिर से रीइंस्टॉल कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। तो एक क्यों आता है एसएसएल सर्टिफिकेट अगर यहाँ से एक्टिव नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम आता है वो भी दिखा देता हूँ, जैसे मैंने सर्च कर लिया अपनी वेबसाइट, और उसके बाद ऐसे देख सकते हो इस तरीके से कनेक्शन इज सिक्योर, अगर आपका एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिव नहीं होगा तो कनेक्शन अनसिक्योर बताएगा, इस तरीके से इशू आपको दिखाई देता है। ठीक है, अभी मैं एसएसएल इस पर जाता हूँ, और उसके बाद ऐसे देख सकते हो एक्टिव ऑटोमेटिकली हो चुका है, यानी कि मैंने कुछ किया भी नहीं ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया। अगर एक्टिव नहीं होता तो यहाँ पर आगे मैनेज का ऑप्शन होता है, जैसे कि मैनेज पर जाकर आप फिर से रीइंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपने सारी इंफॉर्मेशन देख ली किस तरीके से होस्टिंग खरीदी, किस तरीके से डोमेन खरीदा, तो अब हम देखेंगे कि फिर से न्यू डोमेन आपको खरीदना है, और उस पर आपको यहाँ पर लो माइक्रो निश पर आपको काम करना है, जैसे कि मैंने एक होस्टिंग खरीदने की प्रोसेस बताई और उसी के साथ प्रीमियम डोमेन मिलता है वो प्रोसेस बता दी। चाहो तो आप जो भी डोमेन खरीदते हो उसी पर माइक्रो निश पर काम कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो दूसरा भी न्यू डोमेन खरीद कर आप आराम से न्यू डोमेन माइक्रो निश पर काम करने के लिए न्यू डोमेन खरीद कर वेबसाइट बना सकते हो। तो ठीक है, इस तरीके से आप पूरी प्रोसेस कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारी होस्टिंग तो हमने ऐसे खरीद लिया, अब चलिए अब जान लेते हैं कि दूसरी भी वेबसाइट पर आप किस तरीके से काम कर सकते हो, माइक्रो निश पर किस तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आपने कोई भी ऐसे डोमेन कीवर्ड रिसर्च किया, उस पर आप डोमेन खरीदना चाहते हो और उस पर काम करना चाहते हो, और उसी डोमेन को आप बाय करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली ऐसे होस्टिंगर पर आकर ऐसे डोमेन का ऑप्शन मिल जाता है, ऐसे डोमेन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, और उसके बाद आपके सारे के सारे डोमेन दिख जाएंगे, और उसके बाद ऐसे गेट न्यू डोमेन का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करोगे, और उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। चाहो तो आप ऐसे डायरेक्टली वो डोमेन सर्च कर सकते हो, और उसके बाद ऐसे देख सकते हो सर्च का ऑप्शन है, मैं सर्च करता हूँ, और उसके बाद ऐसे देख सकते हो इस तरीके से इनवैलिड बता रहे, तो यहाँ पर जितने भी गैप है मैं इसे हटा दूंगा, और उसके बाद सर्च करूंगा, और सर्च करने के बाद इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो ऐसे प्राइस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चाहो तो कोई भी प्राइस आप ऐसे ले सकते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पर ये प्राइस वाला डोमेन लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बाय नाउ का ऑप्शन है, बाय नाउ इस पर क्लिक करूंगा, और उसके बाद ऐसे देख सकते हो ऑलरेडी मैं ऐसे लॉग इन हूँ, उसकी वजह से मुझे यहाँ पर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली ऐसे डोमेन खरीद सकता हूँ। अगर आप ऐसे डायरेक्टली न्यूली जाते हो तो सबसे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद ही आप डोमेन खरीद सकते हो। ऐसे 1 ईयर के लिए प्राइस ऐसे देख सकते हो, करीब ऐसे आपको इतनी प्राइस देखने के लिए मिल जाती है, करीब आपको यहाँ पर 300 के करीब प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाती है, और उसके बाद ऐसे चूज पेमेंट मेथड का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करोगे, और इस डोमेन को मैं खरीद कर उस पर आपको वेबसाइट बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो डोमेन तो आपने देख लिया किस तरीके से डोमेन है आपने सबसे पहले तो देख लिया, और उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा यहाँ से पेमेंट मेथड, सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा इतना पेमेंट मुझे करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं अब यूपीआई सिलेक्ट करूंगा, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप इस तरीके से यूपीआई आईडी डालकर यहाँ से डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने फिर से ऐसे पेटीएम से लॉगिन कर लिया। यूपीआई आईडी से मुझे यूपीआई आईडी और फोन नंबर डालने के लिए ऑप्शन आ रहा था, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली पेटीएम से फिर से पेमेंट कर लेता हूँ। यहाँ से पेटीएम मैंने लॉगिन कर लिया और उसके बाद यहाँ से मैं पे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो प्रोसीड हो रहा है और उसके बाद मेरा पेमेंट यहाँ से सक्सेसफुली हो जाएगा। पेमेंट की ज्यादा कोई बात नहीं है, पेमेंट आराम से हो जाता है, अच्छे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। पेमेंट तो यहाँ से हो चुका है जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो। अभी आपको कुछ भी नहीं करना, आपका ऐसे डोमेन यहाँ से बाय हो चुका है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। और उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा पर्सनल का ऑप्शन है, यहाँ से चूज करने के लिए ऑप्शन है। तो आप सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट करके इंडिया कंट्री हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद पर्सनल और उसके बाद विलेज स्टेप और उसके बाद एड्रेस दिख जाएगा। तो एड्रेस डालने के बाद ऐसे फिनिश रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। अभी आपका डोमेन बाय हो चुका है और सारी प्रोसेस हो चुकी है जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो। इस तरीके से अगर इस तरीके से नया था तो आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने वेबसाइट वाले ऑप्शन पर और उसके बाद सारे के सारे वेबसाइट आपको दिख जाएंगे। चाहो तो वहां पर जाकर आप फिर से ऐसे वेबसाइट का डोमेन सिलेक्ट कर इस तरीके से पेज ला सकते हो। आपको सिंपल यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर वेबसाइट पर क्लिक कर और उसके बाद आपको डोमेन सिलेक्ट करना है। चाहो तो आप यहाँ से भी डोमेन सिलेक्ट कर सकते हो जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो। हमारा ये पहला वाला डोमेन है जो हमने यहाँ से बाय किया था, ठीक है, यानी कि हम जब होस्टिंग बाय की थी तब तो हमने ये डोमेन बाय किया था। चाहो तो उस पर भी वेबसाइट बना सकते हो। यहाँ पर हमने इस डोमेन को सिलेक्ट किया है तो आप चाहो तो दूसरा भी यहाँ से डोमेन सिलेक्ट कर सकते हो जैसे कि हमने ये डोमेन बाय किया था, तो आप इस पर भी वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है। तो आप डायरेक्टली उस पर ही वेबसाइट बना सकते हो जिसे आपने सिलेक्ट किया था। होस्टिंग लेते समय आपको जो फ्री में डोमेन मिला था उसे भी आप यूज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए दूसरा डोमेन बाय किया है, ठीक है। तो इस पर हम काम करेंगे, तो इस पर हमने ऐसे सिलेक्ट कर रखा है और उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो और उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसकी प्रोसेस मैं आपको कर देता हूँ। जैसे डोमेन तो अच्छे से बाय हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ठीक है, अभी आपको जाना है होस्टिंग वाले ऑप्शन पर, ठीक है। होस्टिंग वाले ऑप्शन पर आपको जाना है, नहीं तो आप डायरेक्टली ऐसे होम पेज पर आ सकते हो। होम पेज पर आने के बाद यहाँ से फर्स्ट वाला डोमेन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो इस पर हमें काम करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आगे आएंगे, यहाँ पर मैनेज का ऑप्शन मिल जाता है, मैनेज इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तरीके से आने के बाद यहाँ से देख सकते हो ऑटोमेटिकली 24 आवर्स में यहाँ से DNS भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ऑटो इंस्टॉलर का ऑप्शन है, डेटाबेस का ऑप्शन है, फाइल मैनेजर का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ से ऑटो इंस्टॉलर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इस तरीके से थोड़ा सा लोड होगा और उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। वर्डपेस आप सिलेक्ट करेंगे, वर्डपेस हमने सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद वर्डपेस की प्रोसेस ऐसे स्टार्ट हो जाएगी, वर्डपेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वेबसाइट का टाइटल आप क्या देना चाहते हो, टाइटल यहाँ पर डाल दोगे, ठीक है। तो हम इस तरीके से टाइटल रखेंगे और उसके बाद यहाँ से यूजर नेम आपको दिखाई देगा और उसके बाद यहाँ से आपका ईमेल भी दिखाई देगा और उसके बाद पासवर्ड डालने का ऑप्शन है, तो पासवर्ड आप अच्छे से डालोगे। ये एडवांस का ऑप्शन है, एडवांस इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ से HTTPS का ऑप्शन है, आप इसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से डेटाबेस पासवर्ड भी आप इसे डाल दोगे। तो जैसे कि मैं यही पासवर्ड यहाँ से कॉपी कर यहाँ से डाल देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ऐसे नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। तो पासवर्ड यहाँ से मैच हो चुका है और उसके बाद अच्छे से सेटिंग भी हो चुकी है और उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इंस्टॉल का ऑप्शन है, इंस्टॉल इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इतनी प्रोसेस करने के बाद आराम से यहाँ से वर्डप्रेस यहाँ से अच्छे से इंस्टॉल होकर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सा आपको वेट करना है, तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से लोड हो रहा है और उसके बाद ऐसे देख सकते हो वर्डप्रेस भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन ऐसे से सर्टिफिकेट ऐसे फेल दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर फिर से रीइंस्टॉल का ऑप्शन है, आप चाहो तो इस पर क्लिक कर सकते हो, इंस्टॉल SSL, ठीक है। आपका वेबसाइट का डोमेन दिख जाएगा और उसके बाद क्लोज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद ऐसे इंस्टॉलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली 24 आवर्स में वैसे तो कनेक्ट हो जाता है, लेकिन आप चाहो तो ऐसे फिर से इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो ऐसे दूसरा भी वर्डप्रेस आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो वर्डप्रेस हमारा तो इंस्टॉल हो चुका है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे एडिट वेबसाइट का ऑप्शन जो एडिट वेबसाइट का जो ऑप्शन है इसे आपको सबसे पहले एनेबल करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा। 24 आवर्स में ऑटोमेटिकली ये DNS कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो भी आपको वेट करना पड़ेगा जब तक आपको यहाँ पर जो एडिट वेबसाइट का ऑप्शन है ये एनेबल नहीं होता तब तक, ठीक है। तो एक बार मैं पेज रिफ्रेश करके देख लेता हूँ एनेबल हुआ है या नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे कि 24 आवर्स में यहाँ पर DNS कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी करना है तो आप चाहो तो यहाँ से क्लिक कर देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो डोमेन का ऑप्शन है। तो यहाँ से फिक्स इट यहाँ पर ऑप्शन है, हाउ टू फिक्स, और उसके बाद यहाँ से आना है और उसके बाद यहाँ से अदर का ऑप्शन है, इसे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद लेट स्टार्ट का ऑप्शन है, इस तरीके से आ जाएगा। और उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिनिश का ऑप्शन है, आप फिनिश इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिनिश हो चुका है और उसके बाद एक बार मैं पेज रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पेज मैं रिफ्रेश करूंगा
और उसके बाद ऐसे देख सकते हो इस तरीके से आ चुका है, और उसके बाद ऐसे एडिट वेबसाइट का ऑप्शन ऐसे एनेबल हो चुका है। तो इसे हम न्यू टैब में ओपन करेंगे और उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो हमें रिडायरेक्ट किया जाएगा डायरेक्टली हमारे जो एज पैनल का ऑप्शन होता है उससे रिडायरेक्ट किया जाएगा। हम जिस पर वेबसाइट बनाते हैं हमारे वर्डप्रेस पर हमें रिडायरेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं सारे पेज ऐसे हटा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि किस तरीके से आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से वर्डप्रेस डैशबोर्ड हमारे पास ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सारा काम हो चुका है, यहाँ तक यहाँ पर नॉट सिक्योर का प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको आना है, और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको एसएसएल सर्टिफिकेट फिर से रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जाएंगे इंस्टॉल एसएसएल, और उसके बाद ऐसे इसे क्लोज करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो एसएसएल का ऑप्शन है नॉट सिक्योर का प्रॉब्लम ये भी सॉल्व हो जाएगा आधे घंटे के अंदर। तो अभी आप यहाँ से देख सकते हो आपका नॉट सिक्योर वाला प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो चुका होगा थोड़ी देर बाद। अगर नहीं होता तो आपको एसएसएल सर्टिफिकेट फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, रीइंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ये सॉल्व हो जाता है। तो अभी बात करते हैं हमारी वेबसाइट किस तरीके से दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैं न्यू टैब में इसे ओपन करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से हमारा पेज स्क्रीन पर देख सकते हो, बहुत ही सिंपल। तो अभी आपको किस तरीके से डिजाइन करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा, और उसके बाद किस तरीके से पोस्ट लिखनी है और किस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आने के बाद सबसे पहले ऐसे अपीयरेंस का ऑप्शन है और उसके बाद थीम का ऑप्शन है। तो आपको सबसे पहले थीम चेंज करनी पड़ेगी। तो थीम किस तरीके से मिलेगी, कौन सी चेंज हो रही है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर कुछ फालतू की थीम आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, चाहो तो आप इन्हें डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको जाना है और देन डिलीट कर देना है। तो इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो, इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ, कोई काम की थीम नहीं है तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये तो वैसे ही रहोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पर न्यू थीम इंस्टॉल करनी पड़ेगी। न्यू इंस्टॉल करने के लिए ऐसे ऊपर देख सकते हो ऐसे एड न्यू का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे और उसके बाद बहुत सारी फ्री वाली थीम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो बहुत सारी थीम आपको फ्री में देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जीपी थीम आपको यूज करनी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली जनरल पेज सर्च करना है, नहीं तो आप जीपी इस तरीके से सर्च कर सकते हो। तो उसके बाद ऐसे आता ही नहीं, मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर जनरल पेज की बहुत सारी थीम तो आ चुकी है, तो सबसे पहले जनरल पेज में ऐसे सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर मैं डालूंगा जनरेट पेज जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो, और उसके बाद मैं सर्च करूंगा। तो यहाँ से देख सकते हो थोड़ा सा सर्च होने के बाद आपको वो वाली थीम मिल जाएगी, आपको उसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो उसके बाद इस वाली थीम को आपको यूज करना है, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर थीम देखने के लिए मिल जाती है जनरेट पेज की। इसे आपको इंस्टॉल कर देना है, और इंस्टॉल करने के बाद तुरंत आपको एक्टिव भी कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टॉल हो रही है, और इंस्टॉल कर आपको इसे एक्टिव करना पड़ेगा, और कुछ मैं फाइल दूंगा उसे आपको यूज करना पड़ेगा अच्छे से डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो कैसे डिजाइन करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, कोई भी चिंता की बात नहीं है। तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं। इंस्टॉल होने के बाद आप तुरंत ऐसे एक्टिव भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे एक्टिव का ऑप्शन मिल जाता है, नहीं तो वहां से भी इंस्टॉल करके डायरेक्टली आप एक्टिव कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो। अभी मैं इसका इंटरफेस आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से इंटरफेस है। इसे मैं रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से हो चुकी है, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अभी तो आपने थीम तो इंस्टॉल कर दी, इसे आपको डिजाइन करना है, और उसके बाद कुछ मैं आपको प्लगइन बताऊंगा, उन प्लगइन को आपको यूज करना है। तो अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पर जाना है, और उसके बाद परमालिंक का ऑप्शन है, आपको इस पर जाना है, और उसके बाद परमालिंक में आपको थोड़ा सा चेंजेस करना है जिससे कि आपकी वेबसाइट जल्द से जल्द सर्च में आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे आना है, इस तरीके से आने के बाद यहाँ पर पोस्ट नेम का ऑप्शन है, जैसे परमालिंक में आप पोस्ट नेम सिलेक्ट करोगे जिससे कि कोई भी पोस्ट का नाम होगा वही परमालिंक में चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे सेव चेंजेस का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद ये सेव हो जाएगा। अब आपको आना है प्लगइन में, और उसके बाद जैसे इंस्टॉलेड प्लगइन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे, उसके बाद सारे के सारे प्लगइन आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आप जैसे सिलेक्ट कर सकते हो ऑल प्लगइन, और उसके बाद जैसे होस्टिंगर का ऑप्शन है, इसे रहने दो, बाकी के सारे प्लगइन आप ऐसे डीएक्टिवेट करोगे जैसे के देख सकते हो डीएक्टिवेट, आप इस पर क्लिक करिए, ठीक है। और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली सारे के सारे प्लगइन डीएक्टिवेट हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको अप्लाई का ऑप्शन है, आप अप्लाई इस पर क्लिक करोगे, और अप्लाई करने के बाद सारे के सारे प्लगइन डीएक्टिवेट हो चुके हैं। और अब आपको क्या करना है, फिर से ऐसे प्लगइन और सिलेक्ट करना है, और उसके बाद इसे रहने देना है। अगर आपने होस्टिंग से होस्टिंग लिए तो आपको यहाँ पर इसे रहने देना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिर से आपको जाना है यहाँ पर, और उसके बाद डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट सिलेक्ट कर आप ऐसे अप्लाई का ऑप्शन है अप्लाई करोगे, तो सारे के सारे प्लगइन ऐसे डिलीट होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। ये काम आपका हो गया है। तो अभी आपको क्या करना है, तो अभी आपको सबसे पहले कुछ थीम मैं आपको बताऊंगा उसे आपको यूज करना पड़ेगा, और साथ ही कुछ प्लगइन भी बताऊंगा उसे आपको यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद सबसे पहले आपको सबसे पहले प्लगइन यूज करनी है, या से जो जनरल प्लेस प्रीमियम प्लगइन यूज करनी पड़ेगी।
तो उसके लिए आपको यहाँ पर जनरल पेज की जो प्रीमियम प्लगइन है आपको 4-5 हज़ार में देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप सिर्फ 100 रुपीज में उसे डाउनलोड कर सकते हो, 100 रुपीज देकर आप डायरेक्टली उसे इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से इंस्टॉल कर, सबसे पहले कौन सी प्लगइन यूज करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से एड न्यू का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे, और उसके बाद यहाँ से अपलोड प्लगइन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे, और उसके बाद चूज फाइल का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर यहाँ से जो जीपी प्रीमियम थीम यानी कि जनरल प्रेस की जो प्रीमियम वाली थीम है आपको उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये प्लगइन है लेकिन आपको थीम का काम करेगी, यानी कि आपकी थीम सारी चेंज कर देगी ये प्लगइन, और ये प्रीमियम है, इसकी प्राइस है 2000 प्लस। ठीक है, तो आपको ये सिर्फ 100 रुपीज में मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डाउनलोड लिंक मिल जाएगी, सिर्फ आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन का ऑप्शन है, ओपन इस पर क्लिक कर यहाँ से इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे, तो ये आपको डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाओ, सिर्फ 100 रुपीज पे करना है, देन आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो यहाँ पर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हो, उसकी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, उसे ज्वाइन करने के बाद आपको सारे के सारे थीम प्लगइन फ्री में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी इसे हम डाउनलोड होने देते हैं, सॉरी इसे अपलोड होने देते हैं, और अपलोड होने के बाद यहाँ से देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ से एक्टिव प्लगइन का ऑप्शन है, आप एक्टिव करोगे, तो सबसे पहले डाउनलोड लिंक है, डाउनलोड करना है, उसके बाद अपलोड कर यहाँ से एक्टिव कर लेना है, और उसके बाद ये एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आपको दूसरे भी प्लगइन की जरूरत पड़ेगी, तो आपको यहाँ पर एड न्यू का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे, और उसके बाद मैं जितनी भी प्लगइन बोलता हूँ उसे आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट आप यहाँ से इसे आपको इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे यहाँ पर बहुत सारे आपको यहाँ पर प्लगइन देने के लिए मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको इसे रिकमेंड करूंगा, टेबल ऑफ कंटेंट प्लस। ठीक है, तो इसे मैं इंस्टॉल करूंगा, और इंस्टॉल करने के बाद इसे भी आप एक्टिव कर लोगे। ठीक है, ये भी एक्टिव हो जाएगा, और दूसरी प्लगइन मैं आपको बता देता हूं, तो फिर से ऐसे मैं चाहूंगा जैसे ऐड न्यू का प्लगइन का ऑप्शन है, इस पर यहां पर आकर सर्च करूंगा, तो यहाँ पर आपको आना है और देन रैंक मैथ सर्च करना है। ठीक है, रैंक मैथ, इस तरीके से आप रैंक मैथ सर्च करोगे तो आपको ये वाली प्लगइन देखने के लिए मिल जाएगी, इसे भी आपको इंस्टॉल करना है, और उसके बाद जैसे इसे भी एक्टिव कर लेना है, तो मैं एक्टिव कर देता हूँ, और एक्टिव करने के बाद कुछ सेटिंग करनी पड़ती है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्टिव करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ से देख सकते हो कनेक्ट, यहाँ से फ्री का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर कनेक्ट योर अकाउंट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आप अपना अकाउंट भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, चाहो तो आपको फिर से बैक आना है, इस तरीके से पेज आता है ना, तभी यहाँ से स्किप नो का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने के बाद ये स्किप हो जाएगा, और उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको रिटर्न टू डैशबोर्ड का ऑप्शन है, साथ ही आपको यहाँ पर अकाउंट बनाने का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिर्फ स्टार्ट का ऑप्शन है, स्टार्ट इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे, और उसके बाद यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, फिर से सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, फिर सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है, चाहो तो आप इस तरीके से कुछ सेटिंग होती है कर सकते हो, लेकिन मैं आपको आगे सारी सेटिंग बताने वाला हूँ, तो कोई भी चिंता की जरूरत नहीं है, तो यहाँ से सिर्फ सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे, और उसके बाद यहाँ से हमारा सारा काम हो चुका है, तो यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर आपको इस तरीके से आ जाएगा, तो आप चाहो तो इस पर भी क्लिक कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पर रिटर्न टू डैशबोर्ड का ऑप्शन है, इस पर भी क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से रोल भी आपको यहाँ पर सेव करने के लिए ऑप्शन है, तो आप चाहो तो यहाँ पर रोल सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पर इसे भी यहाँ पर रिडायरेक्ट और 404 का एरर, इन्हें हम एनेबल करेंगे, और उसके बाद जैसे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये रैंक मैथ क्या करता है कि पहले से सारी की सारी सेटिंग अच्छे से कर लेते हैं, आपको उसकी वजह से ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, यहाँ पर सारा काम यहाँ से हो चुका है, चाहो तो आप यहाँ से एएमपी भी एनेबल कर सकते हो, और उसके बाद यहाँ से देखो तो इस तरीके से बाकी के ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, तो अभी आपको दूसरे भी प्लगइन यूज करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम जाएंगे ऐड न्यू वाले ऑप्शन पर, और उसके बाद आपको सर्च करना है यप ए क्यू। ठीक है, और उसके बाद रैंक मैथ, इस तरीके से आपको रैंक मैथ इस तरीके से आपको टाइप करना है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने टाइप किया, और उसके बाद कौन सी प्लगइन है मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर तो प्लगइन नहीं आई। ठीक है, तो फिर से अच्छे से डाल देता हूँ मैं स्पेलिंग, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कनेक्ट में डाला है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस देता हूँ, यप ए क्यू रैंक मैथ इस तरीके से मैंने अभी डाला है, और उसके बाद ये प्लगइन आपके पास आ जाएगी जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो, तो इसे आपको इंस्टॉल कर एक्टिव कर देना है। ठीक है, तो यही प्लगइन है, आप अच्छे से देख सकते हो, तो इसे आपको इंस्टॉल कर यहाँ से एक्टिव कर देना है। ठीक है, तो इतनी प्लगइन आपको यहाँ पर यूज करनी है जो कि मैंने आपको बताया है।
तो यहाँ पर बाकी का काम तो हो चुका है। अभी आपको फिर से जैसे अपीयरेंस का ऑप्शन है यहाँ पर आपको जाना है, और उसके बाद यहाँ से जेंडर स्पेस का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे आपको यहाँ पर कुछ एक्टिव करने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अभी आपको दिखा देता हूँ आपका हमारी जो साइट है उसका लुक कैसा है। तो अभी आप ऐसे देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद इन्हें सारे के सारे जैसे कि मॉड्यूल है तो इन्हें आपको एक्टिव कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो जितने भी मॉड्यूल है हमारे सारे के सारे काम के मॉड्यूल है, तो हम यहाँ से सारे के सारे इन्हें एक्टिव कर लेंगे, ठीक है। एक्टिव करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर आपको एक फाइल इंपोर्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो अभी आपको कहाँ से मिलेगा वो फाइल, कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप आपको सर्च करना है, तो आपको ये फाइल यहाँ पर मिलेगी। ये फाइल कहाँ पर डालनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से देख सकते हो यहाँ पर इंपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको इंपोर्ट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ से देख सकते हो जनरल स्पेस कुछ इस तरीके से नाम, यहाँ से EMC कन्वर्टर यहाँ पर देख सकते हो, इसे आपको ओपन करना है यहाँ पर। और ओपन करने के बाद यहाँ से इंपोर्ट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे ये JSON फाइल है, ठीक है। और उसके बाद ओके का ऑप्शन है, आप ओके इस पर क्लिक करोगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ ये सारी फाइल और थीम आपको कहाँ से मिलेगी, प्लगइन कहाँ से मिलेंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर एक जो प्राइवेट आपको फ्री थीम और जो थीम और प्लगइन का ऑप्शन है तो इसे आपको ज्वाइन करना है। तो अभी ये न्यू मैंने ज्वाइन किया है, तो यहाँ पर आपको जो जनरल प्लेस प्रेस जो प्लगइन बताई थी वो भी आपको मिल जाएगी, साथ ही आपको यहाँ पर जो भी फाइल है इंपॉर्टेंट वो भी मिल जाएगी। और आगे जाकर जितने भी प्रीमियम आपको थीम और साथ ही थीम टेम्पलेट चाहिए सारे के सारे आपको यहाँ पर फ्री में देखने के लिए मिल जाएंगे सारे के सारे। आपको जितने भी वेबसाइट बनाने के लिए दूसरे भी योस्ट प्लगइन होती है, दूसरे भी थीम टेम्पलेट होती है, कोई भी प्लगइन थीम आपको यहाँ पर फ्री में देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से सारे के सारे मैंने यहाँ पर डाल दिए। तो चाहो तो एक ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री थीम एंड प्लगइन का जो ग्रुप है आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ये प्राइवेट ग्रुप है तो न्यू क्रिएट किया है, तो इसे ज्वाइन करने के लिए आपको 500 रुपीज लगेंगे। 500 रुपीज में आपको लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिलेगा, साथ ही बहुत सारे आपको बहुत सारे थीम प्लगइन फ्री में देखने के लिए मिल जाएगी। उसके लिए आपको यहाँ पर इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रिप्ट में इसी की लिंक दे दूंगा, और वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो इस ग्रुप को, ठीक है। तो सिर्फ आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद डायरेक्टली आपको इसकी प्राइवेट लिंक मिल जाएगी, उससे आप डायरेक्टली इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। सारे के सारे यही नहीं, आपको आगे जाकर जितने भी इंपॉर्टेंट थीम प्लगइन बहुत ही महंगे महंगे आपको यहाँ पर फ्री में देखने के लिए मिल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर पेज रिफ्रेश कर, ठीक है। तो सारा काम तो हो चुका है, तो उसके बाद हमारा लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देख सकते हो अभी आपकी वेबसाइट पर कुछ इस तरीके से क्रेडिट दिखाई दे रहा होगा, तो इस आपको चेंज करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आना है। और उसके बाद जैसे कस्टमाइज का ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करोगे, अपीयरेंस में जाकर कस्टमाइज का ऑप्शन है आप उस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर उसके बाद एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले इसे हटा देना है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर आप डायरेक्टली आप अपनी वेबसाइट की लिंक यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नाम चेंज करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर हिंदी यहाँ पर इस तरीके से डाल देता हूँ। तो उसके बाद ऐसे देख सकते हो हिंदी ब्लॉगर इस तरीके से हो चुका है। और चाहो तो यहाँ से मैं थोड़ा सा चेंज डालता हूँ, जैसे कि मैंने हिंदी और उसके बाद यहाँ से स्पेस दिया और उसके बाद ब्लॉगिंग कुछ इस तरीके से डालता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने डाल दिया, तो यहाँ पर चेंज हो चुका है। और चाहो तो यहाँ पर बाकी आप अपना नाम ऐसे डाल सकते हो, और उसके बाद ऐसे अपनी वेबसाइट की URL डालोगे, ठीक है। तो वेबसाइट की URL आपके पास होगी तो आप डाल सकते हो। तो अभी हमारी वेबसाइट की URL ये है, तो हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अपनी वेबसाइट की URL यहाँ पर डाल दोगे, ठीक है। और उसके बाद कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। तो उसकी वजह से आपको अपनी वेबसाइट की URL यहाँ पर डालनी पड़ती है। और उसके बाद ज्यादा आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से पब्लिश का ऑप्शन है, आप पब्लिश इस पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद ये सक्सेसफुली पब्लिश हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि ये पब्लिश हो चुका है। और उसके बाद मैं इसे कट कर दूंगा, और कट करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो अभी आपको सबसे पहले पेजेस बनाना है, तो आपको पेज कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको और पेजेस का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सैंपल पेज और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज दिख जाएगा, इसे आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जाना है और मूव टू स्ट्रेच का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है और इसे आपको डिलीट कर देना है, ठीक है। तो चाहो तो आप इस तरीके से डिलीट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर आपको आना है, यहाँ से ऐड न्यू का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको पेज बना लेना है, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, और उसके बाद स्टार्ट का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो अभी आपको अच्छे से एक पोस्ट लिख देनी है, उसका टाइटल टैग आपको अच्छे से लिख देना है, और उसके बाद वही पेज आपको यहाँ पर डाल देना है। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर यहाँ से डायरेक्टली एक पोस्ट यहाँ से ले लिया है। आपको अच्छे से पोस्ट अपना बनाकर ले लेना है, तो ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी मैं इसे डायरेक्टली हेडिंग वन नाम दे देता हूँ, तो यहाँ से हेडिंग वन, और उसके बाद इसे मैं हटा देता हूँ, और उसके बाद पैराग्राफ ले लिया, तो यहाँ से मैं इसे पैराग्राफ दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ से ले लेता हूँ पैराग्राफ, और उसके बाद नीचे आता हूँ, इसे भी मैं पैराग्राफ दे देता हूँ, और उसके बाद इसे मैं देता हूँ हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा और इसे मैं सबसे पहले हेडिंग यहाँ से दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसे हेडिंग दे दिया, यहाँ पर जाऊंगा और उसके बाद यहाँ से हेडिंग यहाँ से दे दूंगा,
और उसके बाद इसे भी मैं हेडिंग यहाँ से दे दूंगा, ठीक है। यहाँ से ए भी हेडिंग हो चुका है, और उसके बाद यहाँ से बात करें ऊपर तो यहाँ पर ए भी हेडिंग हो चुका है, ठीक है। यहाँ से मैं इसे भी हेडिंग दे देता हूँ, तो यहाँ से इसे हेडिंग दे दिया, और उसके बाद इसे भी हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद टाइटल भी हमने डाल दिया, और उसके बाद कुछ पोस्ट भी इस तरीके से क्रिएट कर लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से देख सकते हो ये पे क्यू का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम जाएंगे, और उसके बाद इसे प्लस का ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद ये पे क्यू यहाँ पर सर्च करेंगे, ठीक है। तो ये पे क्यू हमने यहाँ पर रैंक मैथ की प्लगइन यहाँ से डाउनलोड कर कर रखी है, इंस्टॉल कर, तो उसकी वजह से इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ ए पे क्यू यहाँ से लेकर रखी है, तो सबसे पहले हम इसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो पहला, सबसे पहला ये पे क्यू आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एंटर करता हूँ, तो इसे मैं तो यहाँ पर नीचे ले लेता हूँ। तो यहाँ पर लेने के बाद यहाँ से देख सकते हो हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने कॉपी कर लिया, यहाँ से क्वेश्चन में डाल दिया, और उसके बाद उसका आंसर यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन तक होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है, ठीक है। तो हमने इसका आंसर भी यहाँ से कॉपी कर लिया, और उसके बाद आंसर में यहाँ से डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से, और उसके बाद फिर से ऐड न्यू का ऑप्शन है, आप दूसरा यहाँ पर एपीक्यू ऐड कर सकते हो। तो दूसरा भी हमें यहाँ से क्वेश्चन हमने यहाँ से ले लिया, ठीक है। यहाँ से हमारा क्वेश्चन है, तो हमने इसे कॉपी कर लिया, और उसके बाद क्वेश्चन में आकर हमने यहाँ से डाल दिया, ठीक है। तो आप ऐसे एपीक्यू कहाँ से भी ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आप अपने हिसाब से एपीक्यू ऐसे क्रिएट कर सकते हो। तो हमने इसे भी कॉपी कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर इसे भी डाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम पोस्ट बनाकर ऐसे बना रहे हैं, और उसके बाद पोस्ट फाइनल किस तरीके से होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इतने तो एपीक्यू मैंने यहाँ से ऐड कर दिए। तो और एपीक्यू चाहिए तो आपको अपना कीवर्ड सर्च करना पड़ेगा, और उसके बाद कौन कौन से और यहाँ से और ये पीक्यू पूछे जा रहे हैं, आपको यहाँ पर पेपर एक्स क्वेश्चन का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पर कुछ देखने के लिए मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से और कहीं कॉपी पेस्ट करेंगे, और ये भी क्वेश्चन यहाँ से ऐड कर देंगे, और उसके बाद उसका आंसर हम यहाँ से और भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से और भी आपको इस तरीके से एपीक्यू देखने के लिए मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप कोई भी यहाँ पर एपीक्यू ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से तो बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से एपीक्यू ऐसे क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद हमारी पोस्ट अभी तक कैसी हुई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे प्रीव का ऑप्शन है प्रीव, और उसके बाद जैसे प्रीव इन न्यू टैब का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद हमारी पोस्ट किस तरीके से बनकर रेडी हो चुकी है आप ऐसे देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगी, और नीचे आने के बाद इस तरीके से एपीक्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हो। तो इतने सारे हमने यहाँ पर पोस्ट लिखी है, तो और हमें पोस्ट बड़ी करने की जरूरत है, तो हम इसमें और भी यहाँ पर अच्छा अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो और अच्छा कंटेंट डालते हैं, और उसके बाद आपको फाइनल पोस्ट दिखा देते हैं, उसी तरीके से आपको पोस्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो अभी फिर से एक बार मैं प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ, कितना मैंने पोस्ट लिख दिया है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो फिर से आपको अच्छे से एक बार पोस्ट चेकआउट कर लेना है। तो एक बार मैंने पेज रिफ्रेश कर लिया, यहाँ पर देख सकते हो ऊपर से मैं लिखता हूँ, तो इतना बड़ा मैंने पोस्ट लिखा है, जिसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर इस तरीके से जिसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर इतना बड़ा पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। और बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो सारे पॉइंट वाइज मैंने यहाँ से पोस्ट लिखे हैं, थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ से और कुछ इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ से आपको ये एपीक्यूज देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो पॉइंट वाइज एपीक्यूज आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इतना पोस्ट हमने यहाँ से क्रिएट कर लिया है, अब इमेज भी हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो इमेज आपको अच्छे से डाउनलोड कर करना है तो क्रिएट कर लेना है, और उसके बाद उन इमेज को आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से पोस्ट तो हमने बहुत बड़ी लिख दी, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा एसईओ अच्छा सा करना पड़ेगा। तो एसईओ करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से ट्वेल है, तो यहाँ से सबसे पहले हम इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ से देख सकते हो कंटेंट एआई का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर कर यहाँ से देख सकते हो आपका कंटेंट एआई या नहीं, इसके बारे में जानकारी आप यहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, ठीक है। चाहो तो यहाँ से एआई से भी कंटेंट आप लिख कर भी ले सकते हो, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर इसे फिर से क्लिक करते हैं, यहाँ पर फोकस कीवर्ड का ऑप्शन है, और उसके बाद यहाँ से नीचे कुछ एडिशनल ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या काम करना है, सबसे पहले यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ से देख सकते हो हम अपने कंटेंट के बारे में इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से। तो अभी सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ यहाँ पर फोकस कीवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। तो फोकस कीवर्ड हमारा क्या रहेगा, तो यहाँ पर हम अपना फोकस कीवर्ड डाल देते हैं, यहाँ से काइनमास्टर मोड एपीके डाउनलोड। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसे कॉपी कर लिया, और यहाँ से डालेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से डाल दिया। और उसके बाद यहाँ से देख सकते हो डायरेक्टली इतना एसईओ हो चुका है। तो फिर से हम दूसरा एक फोकस कीवर्ड डाल देते हैं, तो यहाँ से
सबसे पहले दूसरा एक डाल देते हैं काइन मास्टर मोडिफिकेट डाउनलोड। इस तरीके से फोकस कीवर्ड हम यहाँ से डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आकर, यहाँ पर हम इसे कॉपी करेंगे और कॉपी कर कर यहाँ से फिर से फोकस कीवर्ड में आकर वो कीवर्ड यहाँ से डाल देंगे। ठीक है, तो इसे हटा कर देख लेते हैं कितना अच्छा होता है। तो यहाँ पर 12% है, तो हम यहाँ से फिर से इसे हटा कर यहाँ से पहला वाला ही रखेंगे। तो यहाँ पर अच्छा है काइन मास्टर मोड एपीके, तो यहाँ पर इसे हमने हटा दिया और इसे डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पर पेस्ट हुआ है, तो यहाँ से हटा देंगे इसे और उसके बाद इसे फोकस कीवर्ड में हम अपना कीवर्ड डाल देंगे। ठीक है, या तो काम हो चुका है यहाँ पर फोकस कीवर्ड नॉट इश्यू, यहाँ पर मेटा डिस्क्रिप्शन, तो अभी मेटा डिस्क्रिप्शन आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, एडिशनल का ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हो कहाँ कहाँ पर आपको क्या क्या डालना है इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, चाहो तो आप यहाँ पर टिक लगा सकते हो, अदरवाइज इसे ऐसे ही रहने दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आपको एडिट का ऑप्शन यहाँ पर ऊपर नीचे आएगा, यानी कि देख सकते हो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से सबसे ऊपर, यहाँ से यहाँ पर एडिट इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपकी पोस्ट, जैसे कि यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर सर्च करने के बाद यहाँ पर क्या क्या दिखता है, टाइटल, उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेटा डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा, तो उसके लिए यहाँ पर सिंपल आपको इसे एडिट करना पड़ेगा। इसे एडिट करने के बाद यहाँ से सबसे पहले टाइटल का यूआरएल, तो यूआरएल आप क्या रखना चाहते हो, तो यहाँ पर इतना हम यहाँ से काइन मास्टर मोड एपीके इतना रखेंगे, या टाइटल है, सॉरी ये टाइटल है, तो टाइटल में हम क्या रखेंगे, तो टाइटल हम रखेंगे जैसे कि सबसे पहले ये हम यहाँ से डिस्क्रिप्शन डालेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ से परमालिंक्स, हम परमालिंक्स इस तरीके से तैयार करेंगे काइन मास्टर, तो सबसे पहले काइन मास्टर यहाँ से हम बाकी का हटा देते हैं मोड एपीके। ठीक है, मोड एपीके इतना रखेंगे। ठीक है, तो इतना हमारा परमालिंक्स हो गया। अभी टाइटल क्या रखेंगे, तो टाइटल अच्छा सा रखेंगे, तो जैसे कि दूसरों को टाइटल अच्छे अच्छे देख लेंगे कैसा है, तो जो भी टाइटल हमें अच्छा लगता है वो टाइटल हम रखेंगे। तो ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं, हम हमारा ही टाइटल यहाँ से उठा देते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ से थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप इसे हटा दोगे और इसका हम यहाँ से कॉपी करेंगे टाइटल हमारा, और यहाँ पर आकर हम अपना टाइटल यहाँ से पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हमने टाइटल यहाँ से पेस्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ से परमालिंक्स भी हो चुका है और उसके बाद यहाँ से डिस्क्रिप्शन भी यहाँ से हो चुका है। चाहो तो आप यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से डाउनलोड कर मिस्टर को, और उसके बाद नीचे और थोड़ी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो इस तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर हो चुका है इस तरीके से सारा सेटअप। और जैसे कि यहाँ पर तो काम हो चुका है, तो बस अभी परमालिंक्स और थोड़ी बड़ी करनी चाहिए, सब होता है, तो परमालिंक्स भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ से हम डाउनलोड सबसे पहले हम इसे हटा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से परमालिंक्स आपको थोड़ी बड़ी करनी है। ठीक है, यहाँ से काइन मास्टर मोड एपीके और डाउनलोड, ठीक है, यहाँ पर हम डाउनलोड यहाँ पर लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमने परमालिंक्स रखी और टाइटल इस तरीके से, डिस्क्रिप्शन इस तरीके से हो चुका, और उसके बाद मोबाइल में किस तरीके से दिखेगा आप देख सकते हो, और यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से लैपटॉप में इसी में दिखेगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे एडिट कर लिया और अभी बाकी का इश्यू अच्छे से कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि इमेज, अभी इमेज फोकस इमेज हमने डाला, तो इमेज भी हम आगे जाकर ऐड करेंगे, बाकी कोई बात नहीं है। टाइटल टाइटल भी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर दो एरर बता रहा है, यहाँ पर पैराग्राफ पैराग्राफ ऐसे लॉन्ग, और उसके बाद आर यूजिंग मीडिया लाइक इमेज, ठीक है, इमेज और वीडियो डालने के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो वो भी हम डाल देंगे और उसके बाद ये स्कोर और भी अच्छा हो जाएगा, तो चलिए वो भी कर लेते हैं। तो अभी हम डायरेक्टली इसे पब्लिश कर देते हैं, बाकी का इश्यू बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पब्लिश और उसके बाद यहाँ से इम्प्रूव का ऑप्शन है, और उसके बाद इस तरीके से जाने दो, डायरेक्टली हम पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो पब्लिश करने के बाद किस तरीके से दिखेगा वो भी हम दिखा देते हैं, जैसे कि ये पब्लिश हो चुका है। ठीक है, व्यू पोस्ट का ऑप्शन है, हम यहाँ से इसे न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं, हमारी पोस्ट किस तरीके से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी पोस्ट है, स्क्रीन पर देख सकते हो इस तरीके से, और इस तरीके से हमारी पोस्ट है, तो आप ऐसे इस तरीके से देख सकते हो। ठीक है, पोस्ट हमने इतनी बड़ी और इतनी अच्छी ऐसे पोस्ट क्रिएट कर ली। तो अभी आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर पैसे आओगे और उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे, और अभी हमें यहाँ पर दूसरा काम करना है, यहाँ से सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, सेटिंग पर जाकर यहाँ से रीडिंग का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, जैसे थर्ड नंबर पर रीडिंग का ऑप्शन है, आप इस पर जाओगे, और उसके बाद यहाँ से सेकेंड नंबर का ऑप्शन है स्टैटिक पेज, तो स्टैटिक पेज पर आपको क्लिक करना है, एक पोस्ट का यूआरएल आपको यहाँ पर मिल जाएगा, पोस्ट का नाम दिख जाएगा, इसे आपको सेट करना है होम पेज पर। ठीक है, यानी कि होम पेज आपका ए हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा। और उसके बाद ऐसे देख सकते हो पोस्ट पेज जिस तरीके से, यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यही पर आपको सेट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ से डायरेक्टली नीचे आना है, और नीचे आने के बाद ऐसे सेव चेंजेस का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, सेव चेंजेस पर क्लिक करने के बाद हमारा यही पेज होम पेज बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि हमारी पोस्ट है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो,
तो उसके बाद आपको अपना सीएसएस कोड डाल देना है। सीएसएस कोड आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जब आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे यहाँ पर आपको सीएसएस कोड मिल जाएगा। टीआर से हम इसे कॉपी करेंगे टेक्स्ट में, और उसके बाद यहाँ से जाएंगे अपेरेंस में, और उसके बाद कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, सिंपल बात है। और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे एडिशनल सीएसएस का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करोगे ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा, यहाँ से सीएसएस कोड डालने का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर सीएसएस कोड डालने के बाद इस तरीके से आपका पेज हो जाएगा, स्क्रीन पर देख सकते हो ठीक है। यहाँ पर इतना अच्छा डिजाइन आपका देखने के लिए आपको मिल जाएगा ठीक है। जिसे सीएसएस कोड में हटा देता हूँ तो किस तरीके से दिखाई देता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन पर देख सकते हो इस तरीके से दिखाई देगा, और जैसे ही सीएसएस कोड आप ऐड करोगे तो इस तरीके से आपका दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो ठीक है। इतना अच्छे से हमारा डिजाइन यहाँ से हो चुका है। और उसके बाद और सेटिंग आपको करनी पड़ेगी जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सीएसएस कोड आपको अपलोड करने के बाद यहाँ से पब्लिश का ऑप्शन है, आप पब्लिश इस पर क्लिक करोगे ठीक है। तो अभी तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, तो हमें अभी यहाँ पर थोड़ा सा डाउनलोड लिंक वगैरह ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि कोई भी वेबसाइट अगर आप ओपन करते हो तो जैसे कि दिखाने के लिए मैं दो तीन वेबसाइट ऐसे ओपन करता हूँ, तो यहाँ से मैंने दो चार वेबसाइट यहाँ से ओपन कर ली ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे ओपन करता हूँ तो यहाँ से नीचे से डाउनलोड लिंक आपको देखने के लिए मिल जाती है ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हो डाउनलोड लिंक डायरेक्टली ऊपर आपको देखने के लिए मिल जाती है, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको भी इसी तरीके से आपको डाउनलोड लिंक लगाने का ऑप्शन किस तरीके से मिलेगा, किस तरीके से डिजाइन करोगे अभी वो देखेंगे ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर तो हमारा काम तो हो चुका है। तो अभी हम यहाँ से जाएंगे हमारे पेजेस वाले ऑप्शन पर ठीक है, और पेजेस पर जाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर अभी फिर से ऐसे एडिट करेंगे ठीक है। एडिट पर हम जाएंगे, और एडिट करने के बाद किस तरीके से करना है, जैसे कि हमारा ये टाइटल है, टाइटल के नीचे हमने ऐसे स्पेस ले लिया, और उसके बाद ऐसे प्लस ठीक है, प्लस पर जाएंगे हम ऐसे कवर ले लेंगे ठीक है। कवर इस तरीके से सर्च करेंगे, और उसके बाद ऐसे बहुत सारे कवर आ जाएंगे, जो भी कवर आपको अच्छा लगता है आप ऐसे सर्च कर सकते हो, अदरवाइज इसे आप इसे ब्लैंक कवर ले सकते हो। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है जो भी कलर चाहिए आप ऐसे कलर ले सकते हो। तो अभी यहाँ पर मुझे चाहिए, आप मीडिया से भी कोई भी ऐसे कवर ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ठीक है। चाहो तो आप ऐसे मीडिया से भी ऐसे कवर ले सकते हो, नहीं तो यहाँ पर इस तरीके से भी ले सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं होता ठीक है। तो आप अपने हिसाब से ऐसे ले सकते हो। तो अभी मैं ये ले रहा हूँ ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा, और उसके बाद ऐसे इस तरीके से। तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक टाइल थोड़ा सा और एक्स्ट्रा थोड़ा सा और डाल देना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से एक कीवर्ड ले लेंगे, और कीवर्ड लेने के बाद यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आकर कीवर्ड डाल देंगे। तो कहाँ गया वो पेज, यहाँ पर है ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कीवर्ड डाल देंगे, तो कीवर्ड हमने डाल दिया। तो यहाँ पर हम इसे हेडिंग बना देंगे, ये सबसे पहले पैराग्राफ लेंगे ठीक है, और इसका सबसे पहले पैराग्राफ ले लेते हैं, और पैराग्राफ में आप इसे हेडिंग कर दोगे ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसे हेडिंग कर दिया। तो हेडिंग करने के बाद ऐसे एस टू आप ऐसे रखोगे इसे ठीक है, एस टू हेडिंग आपने इसे सिलेक्ट कर दिया, और उसके बाद फिर से एक छोटा सा पैराग्राफ ले लेना है, और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपको इसमें डाली है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से, मैंने जैसे कि यहाँ पर ब्लॉक की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कॉपी कर ली, और उसके बाद इस पैराग्राफ में यहाँ पर डाल दी ठीक है। और उसके बाद आप चाहो तो इसे सेंटर में रख सकते हो इस तरीके से, जैसे कि हमने इसे सेंटर में रख दिया, और उसके बाद इसे थोड़ा सा छोटा कर देते इस तरीके से, देख सकते हो इस तरीके से अभी हमारा हो चुका है ठीक है। अभी हमें डाउनलोड लिंक भी लगा देनी है, तो वो कैसे लगेगी वो भी हम बात करेंगे। अभी आपको और क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे कि आपका हेडिंग है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ से आपका जितना भी हेडिंग होगा तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको जैसे कि आपने यहाँ पर क्लिक कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो उसके बाद यहाँ से नीचे आना है, एडवांस का ऑप्शन मिल जाता है ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, सॉरी एडिशनल सीएसएस का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप इसे एच डालोगे ठीक है, सिर्फ आपको एच डालते जाना है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से ऐसे एच एच डालते जाओगे, यहाँ पर भी क्लिक करोगे, और उसके बाद नीचे आकर यहाँ से एच डालोगे ठीक है। तो यहाँ पर भी एच डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पर भी एच डाल दिया, एक क्यू डाल रहा हूँ आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ अभी, और उसके बाद फिर से यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ से एडिशनल सीएसएस में एच डाल दूंगा ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे और आने के बाद यहाँ पर भी मैं क्या डालूंगा, यहाँ पर एच डाल दूंगा, यहाँ पर एच डालूंगा ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारा काम हो चुका है, हमने सारी जगह एच डाल दिया, यहाँ पर हम अपडेट करेंगे ठीक है। तो अपडेट होने के बाद एक बार मैं फिर से आपको पेज हमारा दिखाऊंगा ठीक है। तो इसे हम कट कर देते हैं, और हमारा अभी का पेज इस तरीके से दिखाई दे रहा है, और एक बार रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से हमारा पेज हो चुका है, यानी कि कुछ आपको इस तरीके से अच्छे से डिजाइन देखने के लिए मिल जाएगा। और नीचे आने के बाद यहाँ से देख सकते हो इस तरीके से, यानी कि आपका जो भी यूट्रेस होता है, यानी कि आपका जो भी वेबसाइट होता है
तो अच्छा उसका लुक हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है, तो समझ चुके होंगे। तो चलिए अभी और आपको क्या करना है देख लेते हैं। तो अभी आगे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा अगर जूम करोगे तो यहाँ पर ये जो कलर है यहाँ पर डायरेक्टली लास्ट तक है, लेकिन इसका कलर लास्ट तक नहीं है। ठीक है, तो एक ऐसे सेटअप करेंगे वो भी बता देते हैं। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ से सेंटर, और उसके बाद यहाँ से आपका इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, विथ वाइल्ड का ऑप्शन, इसे आपको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद यहाँ से देख सकते हो डायरेक्टली बड़ा हो जाएगा, और उसके बाद आप चाहो तो अपडेट कर सकते हो। तो इस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर इस तरीके से होने के बाद आपको इसे सिलेक्ट रहने देना है, और उसके बाद यहाँ से अपडेट हो जाएगा। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी आप यहाँ से इस पेज को रिफ्रेश कर कर देख सकते हो। तो उसके बाद अभी आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से हो चुका है अच्छे से डिजाइन। ठीक है, तो अभी आपको डाउनलोड बटन लगा देना है। ठीक है, डाउनलोड बटन कैसे आपको मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डाउनलोड बटन, जैसे कि हमें यहाँ पर डाउनलोड बटन लेना है, तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे, प्लस का ऑप्शन है, यहाँ से बटन टाइप करेंगे। ठीक है, बटन सर्च करने के बाद इस तरीके से बटन आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बटन आ चुका है, यहाँ से हम यहाँ से डाउनलोड नाम यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, डाउनलोड जैसे कि हमने यहाँ से टाइप कर लिया, डाउनलोड नाउ। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हम इसे सेंटर में लाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ से जस्टिफाई, और उसके बाद आ गया सेंटर में। अभी इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग के ऑप्शन यहाँ पर नजर आ जाएंगे, यहाँ पर एडवांस का ऑप्शन है, जैसे चाहो तो यहाँ से एडवांस आप ऐसे ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि पेजेस, और उसके बाद एडवांस, और उसके बाद कुछ फीचर, इमेज, इस तरीके से आप कुछ भी इस तरीके से ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि लेआउट का ऑप्शन है, आप लेआउट यहाँ से थोड़ा चेंज कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है इस डाउनलोड बटन के लिए। ठीक है, तो चाहो तो आप अपने हिसाब से इसे डिजाइन भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, नहीं तो इस तरीके से ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ता है। बाकी के सारे ऑप्शन इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से स्क्वायर में है। तो आपको इसे एडिट करने के लिए यहाँ पर जाना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे। तो चाहो तो स्मॉल मीडियम आप इस तरीके से रख सकते हो आपके हिसाब से। और उसके बाद जैसे रेडियस का ऑप्शन है, यहाँ से देख सकते हो रेडियस में आप जैसे इस तरीके से आपका इसका आकार चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो अभी स्क्वायर है, तो थोड़ा सा अगर हम यहाँ से इस तरीके से करते हैं तो इस तरीके से इसका आकार हो जाएगा। चाहो तो इसे आप बोल्ड कर सकते हो, इस तरीके से बोल्ड कर दिया। और अभी बात करते हैं कि इसमें लिंक ऐड करनी है, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर यहाँ से लिंक ऐड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो कोई भी यहाँ से आप अच्छे से लिंक ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आपको गूगल ड्राइव की लिंक ऐड करती जाना है। ठीक है, कोई भी आपको, अगर आपको यहाँ पर लिंक ऐड करनी है तो जो गूगल ड्राइव की लिंक होती है वही ऐड करनी है। जैसे कि यहाँ पर भी गूगल ड्राइव की लिंक नहीं है, तो मैं दूसरा यहाँ से ओपन करूंगा, और उसके बाद इसे डाउनलोड लिंक, तो यहाँ पर भी गूगल ड्राइव की लिंक, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर गूगल ड्राइव की लिंक यहाँ पर मिल जाएगी डायरेक्टली, जिससे कि डाउनलोड होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसे कॉपी कर लिया, और उसके बाद हम यहाँ से लिंक डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तो यहाँ पर लिंक तो डाल दी, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर डाल दी। ठीक है, और उसके बाद जैसे ओपन न्यू टैब का ऑप्शन है, दिस टैब का ऑप्शन है, तो कोई बात नहीं है, हम इसी टैब में ओपन करेंगे, और इस तरीके से हमारी लिंक ऐसे हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी कोई भी इस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्टली गूगल ड्राइव की लिंक ऐसे ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिंक डाल दी है, तो अभी हमारे यहाँ से काम हो चुका है, अब हम इसे अपडेट करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले जाएंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने सारा काम कर चुका है, और उसके बाद हम इसे अपडेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा करते हैं, और उसके बाद इसे अपडेट का ऑप्शन है, अपडेट हम इस पर क्लिक करेंगे, तो ये सारा कुछ ऐसे अपडेट हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ से पेज को एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से हमारा सारा काम हो चुका है, डाउनलोड लिंक इस तरीके से। अगर यहाँ पर कोई भी क्लिक करेगा तो डायरेक्टली यहाँ से कोई भी पेज ओपन होकर आ जाएगा, और उसी में यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड ऐसे होना चालू हो जाएगा। तो अभी हम इसे कैंसिल कर देते हैं, तो लगभग हमारा सारा काम ऐसे हो चुका है, इस तरीके से हमने ऐसे काम कर लिया है। तो अभी आपको पेजेस भी बनाने पड़ेंगे, प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर, जो भी पेजेस होते हैं 4 पेजेस, सबसे पहले अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी डिस्क्लेमर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये 4 पेज इंपॉर्टेंट बनाने पड़ेंगे। तो चाहो तो अगर आपको नहीं बनाने आते तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर जाकर सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी हमारा काम ऐसे हो चुका है। ठीक है, अभी क्या इंपॉर्टेंट सेटिंग और करनी है वो भी देख लेते हैं, जिससे कि ट्रॉपिक आ जाए। और एक इंपॉर्टेंट बात कि आपको गूगल सर्च कंसोल में आपका ब्लॉग सबमिट करना पड़ेगा, आपकी वेबसाइट सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी जैसे कि आपने पेज तो बना लिया, अभी आपको और 2-4 पोस्ट डालने पड़ेगी, जिससे कि एडसेंस का अप्रूवल आपको बहुत ही जल्द मिलेगा, और वो कैटेगरी आपको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप फिर से यहाँ पर जाओगे, तो अभी हमने यहाँ से इसे तो अपडेट कर लिया है, तो अभी हम इसमें और भी इमेजेस ऐड करेंगे, कोई भी डरने की बात नहीं है। तो आपको एक ही पेज पर डिपेंड नहीं रहना, आपको और 4-5 यहाँ पर इस तरीके से पोस्ट लिख कर रखनी है। ठीक है, तो आप चाहो तो पोस्ट लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम कैटेगरी बनाएंगे, तो यहाँ पर जैसे कि हम जाएंगे पोस्ट, और उसके बाद कैटेगरीज। ठीक है, तो कैटेगरीज
में जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि काइन मास्टर, तो काइन मास्टर पर बहुत सारे आपको अलग अलग काइन मास्टर देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि काइन मास्टर डायमंड हो गया, काइन मास्टर ब्लैक हो गया, तो इस तरीके से बहुत सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ग्रीन काइन मास्टर, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो, ग्रीन काइन मास्टर हो गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ से तो इसे सेव करके रखते हैं, जिससे कि बाद में हमें इसका उपयोग होगा। ठीक है, तो कैटेगरी हमने यहाँ पर ग्रीन काइन मास्टर डाल दिया, और उसके बाद सेपरेटली एक काइन मास्टर की कैटेगरी बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ से काइन मास्टर डाल दिया, और उसके बाद यहाँ से न्यू कैटेगरी। ठीक है, और उसके बाद काइन मास्टर और इस तरीके से ऑल काइन मास्टर ऑल एपीके, ठीक है, एपीके, ठीक है, इस तरीके से हम डाल देंगे। तो यहाँ पर ए भी हो गया, तो तीन कैटेगरी हमारी यहाँ से हो जाएगी, सॉरी काइन मास्टर, और दो कैटेगरी हमारी यहाँ से हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो दो कैटेगरी तो बना लिया, तो अभी हम यहाँ से जाएंगे, और सबसे पहले यहाँ से यहाँ पर अपेरेंस का ऑप्शन है, यहाँ से मेन्यू का ऑप्शन है, इसका मेन्यू हम क्रिएट करेंगे, और उसके बाद मेन्यू क्रिएट करने के लिए यहाँ से प्राइमरी मेन्यू। ठीक है, तो यहाँ से प्राइमरी मेन्यू सबसे पहले मेन्यू यहाँ से मेन्यू का नाम देना पड़ेगा, तो यहाँ से हम मेन मेनू नाम दे देते हैं, और उसके बाद प्राइमरी मेनू ऐसे क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के बाद यहाँ से हम जाएंगे कैटेगरीज, कैटेगरीज का ऑप्शन है, यहाँ से व्यू ऑल का ऑप्शन है, तो यहाँ से काइन मास्टर और काइन मास्टर ऑल एपीके, ठीक है, इस तरीके से, और ऐड टू मेनू इस तरीके से करेंगे, और उसके बाद इसे हम प्राइमरी मेनू में सेट कर कर यहाँ से सेव मेनू का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो अभी हम एक बार पेज रिफ्रेश करके दिखा देते हैं, तो यहाँ पर पेज को रिफ्रेश कर लिया, और उसके बाद ऐसे देख सकते हो काइन मास्टर और काइन मास्टर और एपीके यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, यानी कि इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो सारे के सारे एपीके यहाँ पर वो देख सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला सिर्फ, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर काइन मास्टर और एपीके इस तरीके से डाल कर रखा है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ से जब भी यहाँ से न्यू पोस्ट लिखोगे, अभी आपको पोस्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा, जितने भी आपको अच्छे अच्छे पोस्ट क्रिएट करना आता है, आप जाओगे यहाँ पर और पोस्ट यहाँ पर क्रिएट करोगे। ठीक है, ऐड न्यू, और उसके बाद जब भी आप पोस्ट क्रिएट करोगे, जैसे कि हमने यहाँ पर टाइटल डाल दिया, तो आपको कैटेगरी में वही पोस्ट ऐड कर देनी है। ठीक है, कैटेगरी में वो पोस्ट आपको ऐड करते जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो अभी अभी इसका हम रहने देते, जब आपको एडसेंस का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो आपको चार पांच पोस्ट का उसे रिलेटेड डाल देना, जिससे कि एडसेंस का अप्रूवल बहुत ही जल्द मिल जाए। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि और अच्छा कैसा हमें यहाँ से डिजाइन करना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से पेजेस पर जाएंगे, यहाँ पर हम इस पर जाएंगे, अभी हम इमेज ऐड करेंगे। तो इमेज के लिए आप ऐसे कोई भी इमेज ऐसे फ्री में लेना चाहते हो तो डायरेक्टली ऐसे इमेज पर जा सकते हो, जैसे टूल का ऑप्शन होता है, टूल पर आपको जाना है, और उसके बाद टूल पर नहीं, जैसे मोर का ऑप्शन है, मोर पर जाना है, जैसे आपको क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद कॉपीराइट फ्री इमेजेस आपको दिख जाएगी। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो कुछ भी ऐसे फालतू की इमेज आ रही है, तो हम इसे यूज नहीं करेंगे, दूसरे हम इमेज अपने से तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे इमेज है इस तरीके से, तो अभी दिखाने के लिए मैं डायरेक्टली इन्हीं के इमेज ऐसे डाउनलोड कर यहाँ से अपलोड करने वाला हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो इस तरीके से इमेज है, तो इसे भी मैं यूज कर सकता हूँ, नहीं तो और दूसरे भी इमेज में यहाँ से यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इसे सबसे पहले एक इमेज यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, और उसके बाद कैनवा से मैं इमेज क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इमेज मैं डाउनलोड करूंगा, यहाँ से देख सकते हो डाउनलोड इमेज सेव इमेज। ठीक है, तो इमेज सेव करने के लिए इस पर आपको क्लिक करना है, देन यहाँ से इमेज हमारा यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, काइन मास्टर मोड एपीके आगे का हटा देंगे, यहाँ पर इमेज डाउनलोड हो चुका है, यहाँ से हम कैनवास से इमेज ऐसे जल्दी से बनाकर रेडी कर देते हैं, और उसके बाद आगे की प्रोसेस हम बता देते हैं। तो यहाँ से हम कैनवा ऐसे लॉग इन हो जाते हैं, और उसके बाद कैनवा से आप कोई भी इमेज ऐसे क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि सबसे पहले मैंने इमेज ले लिया, और उसके बाद बैकग्राउंड में कुछ यहाँ से बैकग्राउंड में अच्छा सा फोटो यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे बैकग्राउंड में कोई भी अच्छा सा फोटो ऐसे सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद इस तरीके से इसे थोड़ा बड़ा करके इसे बीच में, नहीं तो ऐसे यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ पर हम टेक्स्ट ऐड करेंगे, तो यहाँ पर टेक्स्ट पर जाएंगे, बहुत सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, तो यहाँ पर हम इसे यूज करेंगे, तो ये प्रो वाला है, तो फ्री में जो भी है हम यहाँ से इसे यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी अच्छा है, नहीं तो ये भी अच्छा है, तो ठीक है इसे यूज करते हैं, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो अभी हम इसे छोटा सा करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे डाउनलोड। ठीक है, जैसे कि डाउनलोड इस तरीके से डालेंगे, थोड़ा सा और इसे बड़ा करेंगे, और काइन मास्टर ऐसे इस तरीके से डालेंगे। ठीक है, काइन मास्टर एपीके, ठीक है, इस तरीके से हमने डाल दिया, चाहो तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से हमने यहाँ पर डाल दिया, और उसके बाद इसे थोड़ा छोटा कर दिया, और उसके बाद हमें इसका कलर चेंज करना है, तो सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद कलर में जाएंगे, और कलर यहाँ पर कोई जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे कि यहाँ पर व्हाइट कलर ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर व्हाइट कलर हो गया, और उसके बाद यहाँ पर दूसरा कलर हम ले लेंगे, तो कलर में जाएंगे सबसे पहले, और कलर में जाकर इसका चेंज थोड़ा सा रेड कर देते। ठीक है, तो यहाँ पर रेड भी अच्छा नहीं लग रहा, तो दूसरा कलर यहाँ से ले लेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले कलर में जाकर
कौन सा कलर अच्छा लगता है देख लेंगे, तो यहाँ पर ये अच्छा लगता है या नहीं तो ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा करना है तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर इसे थोड़ा लंबा लंबा रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हो चुका है, और उसके बाद हम ऐसे 2023 ऐसे लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम जाएंगे, और उसके बाद एक यहाँ पर ये प्रो वाला है तो हम इसे हटा देंगे, और उसके बाद ऐसे फ्री वाला कोई भी यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये हटा देंगे और यहाँ से 2023 यहाँ पर डाल देंगे इस तरीके से, जिससे कि ये नाम इस तरीके से हो जाएगा। और उसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, इस नाम को आपको नीचे यहाँ पर लगा देना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और बीच में हम यहाँ से लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इमेज ऐसे क्रिएट हो चुका है, चाहो तो आप अलग से भी कुछ भी इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। और उसके बाद शेयर का ऑप्शन है, और उसके बाद इसे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड इस पर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद डाउनलोड के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो डाउनलोड आप ऐसे कर सकते हो। और इसी तरीके से बहुत सारे दूसरे भी आप इमेज क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था यहाँ से बहुत सारे अलग अलग काइन मास्टर के नाम होते हैं, तो इस तरीके से आप वो भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से कोई भी यहाँ से बहुत सारे इमेज क्रिएट करके ऐसे वो वहां पर लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इसी तरीके से 4-5 इमेज क्रिएट कर लूंगा, तो यहाँ से इमेज तो हमने यहाँ से लगा दी है। अभी हम यहाँ पर जो हमारी इमेज है यहाँ से लगाएंगे, तो आप अपने हिसाब से फीचर इमेज लगा सकते हो, साथ ही यहाँ पर आप अपने हिसाब से जहाँ पर भी इमेज आपको लगाना है आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप अपने हिसाब से ऐसे लगा सकते हो। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर नीचे एक इमेज ऐड करनी है, तो यहाँ पर मैं जाऊंगा प्लस वाले ऑप्शन पर, और उसके बाद यहाँ से सर्च करेंगे इमेज में, तो आपको यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन मिल जाता है, और उसके बाद अपलोड का ऑप्शन है, चाहो तो आप ऐसे डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो इस तरीके से, और उसके बाद इस तरीके से इमेज आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद चाहो तो यहाँ पर इसकी भी हेडिंग से आप टाइटल इसका दे सकते हो, इस तरीके से सारी इसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, तो आप अपने हिसाब से इस तरीके से इमेज का भी नाम दे सकते हो। तो अभी हम यहाँ से इसे सेंटर में रखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारा इमेज हो चुका है, और बाकी के दूसरे भी इमेज आप ऐसे चाहो तो यहाँ पर लगा सकते हो सेम प्रोसेस से। आपको यहाँ पर सबसे पहले इमेज ऐसे ऐड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो ऐसे प्लस का ऑप्शन है, प्लस इस पर जाएंगे, इमेज यहाँ पर ले लेंगे, कोई भी इमेज आप ऐसे ले सकते हो गैलरी में से, ठीक है। तो यहाँ से अपलोड का ऑप्शन है, तो आप अपलोड इमेज कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने 2-4 जगह पर इमेज लगा दी है, और उसके बाद स्कोर देख लेते हैं कितना है। तो यहाँ पर फोकस कीवर्ड बहुत ही कम है डेंसिटी, तो आपको फोकस कीवर्ड की डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो फोकस कीवर्ड क्या है हमारा, यहाँ पर काइन मास्टर मोड ईपीके, ठीक है। तो काइन मास्टर मोड ईपीके जो हमारा फोकस कीवर्ड है हम बार बार रिपीट करेंगे, तो यहाँ पर जैसे कि काइन मास्टर मोड ईपीके यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और बहुत सारी डेंसिटी यहाँ पर हो चुकी है, तो आपको थोड़ा सा कम तो करना पड़ेगा, नहीं तो ज्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी काइन मास्टर सारा काम हो चुका है, अब फीचर इमेज ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम फीचर इमेज ऐड करने का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ से देख सकते हो फीचर इमेज हम कौन सी ऐड करेंगे वो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम इसे फीचर इमेज रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम इसे अपलोड कर देंगे, ठीक है। और फीचर इमेज अपलोड करने के बाद आपको क्या काम करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अपलोड हो चुकी है, आपको यहाँ पर काइन मास्टर एपीके नहीं तो इस तरीके से आप काइन मास्टर एपीके डाउनलोड, जैसे कि आपका कीवर्ड ही डाल देना है, जो आपका कीवर्ड होगा वही आपको डाल देना है। तो जैसे कि काइन मास्टर मोड एपीके था हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे जो पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। एपीके डाउनलोड, ठीक है, डाउनलोड इस तरीके से हमने डाल दिया, और उसके बाद हम कॉपी कर कैप्शन में भी यही लगा देने की, और चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा दो, ठीक है। और उसके बाद ऐसे सेट फीचर इमेज का ऑप्शन है, हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारा इमेज ऐसे आ चुका है। तो इस तरीके से हमारा काम हो चुका है, दो इमेज हमने ऐड कर दिए, चाहो तो और भी इमेज हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो इमेज ऐड करने के लिए जैसे कि हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे आते हैं, और उसके बाद यहाँ पर इसे यहाँ पर इमेज लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एक इमेज लगा देते हैं, यहाँ से प्लस का ऑप्शन है, प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इमेज का ऑप्शन है, अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद फीचर इमेज अपलोड करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से अपलोड का ऑप्शन है, हम अपलोड इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हमने स्क्रीनशॉट लिया था तो वही अभी अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी ये वाला स्क्रीनशॉट हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया, और उसके बाद यहाँ से अपलोड कर दिया, यहाँ से हम फुल कर देते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से हमारा फीचर इमेज हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से बाकी आप देख सकते हो, आप इसी सेटिंग रिप्लेस कर सकते हो, बाकी सारा चेंज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से अल्ट टेक्स्ट एक ऑप्शन है, तो अल्ट टेक्स्ट में आप इस तरीके से डालोगे, चाहो तो यहाँ से एडवांस का ऑप्शन है, तो एडवांस में भी यहाँ पर टाइटल दे सकते हो, साथ ही यहाँ से इस तरीके से दे सकते हो, ठीक है। यहाँ से हमने डाल दिया, और दूसरा जो इमेज था इसका भी डाल देते हैं यहाँ से अल्ट टेक्स्ट के, इस तरीके से जो हमारा कीवर्ड है वही हम यहाँ से यूज करेंगे, जैसे कि काइन मास्टर मोड एपीके, ये हमारा कीवर्ड है, मेन कीवर्ड, ये हमारा टारगेट किया हुआ कीवर्ड है, तो हम इसे भी अल्ट टेक्स्ट में
इसे भी ऐड कर देंगे। इमेज पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो अर्थ टेस्ट में आप उसे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे इमेज हमने अपलोड कर दिए, तो यहाँ पर भी हमें ऑप्शन मिल जाता है ब्लॉक का और साथ ही पेज का, तो हम यहाँ से अर्थ टेस्ट यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा बहुत सारा काम हो चुका है। अभी यहाँ पर देख सकते हो, एक बार मैं आपको वेबसाइट रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर वेबसाइट रिफ्रेश करने के बाद आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर अभी अपडेट नहीं किया, सॉरी यहाँ से अपडेट नहीं किया अभी, तो अपडेट सबसे पहले कर लेते हैं। तो अपडेट होने के बाद यहाँ से पेज का व्यूज आपको दिखा देते हैं, पेज लोकेशन देते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर देख सकते हो, अभी यहाँ पर फीचर इमेज यहाँ पर आ चुकी है, तो फीचर इमेज को हमें यहाँ पर नहीं लाना। ठीक है, तो यहाँ पर हम फीचर इमेज पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन है, तो सबसे पहले क्या क्या शो करना है वो आपके पास देखना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से ऐसे क्या क्या शो करना चाहते हो आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे कि यहाँ से ऑथर, और उसके बाद नीचे आने के बाद फीचर इमेज हमें शो नहीं करना, तो यहाँ पर डिफॉल्ट, और उसके बाद कंटेंट, और उसके बाद जैसे डिसेबल एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको फीचरेड इमेज का ऑप्शन है, इसे सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिसेबल हो जाएगा, यानी कि फीचर इमेज आपकी होम पेज पर नहीं दिखेगी। ठीक है, तो एक बार हम पेज रिफ्रेश करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हो इमेज हो चुके हैं, और उसके बाद इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, नीचे भी इमेज है और उसके बाद यहाँ पर नीचे भी इमेज है, और कुछ इस तरीके से टोटल हमारा काम हो चुका है। इस तरीके से पेज हमने बना कर रख दिया है, तो अभी हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, इसे सर्च कंसोल में सबमिट करना है और दो चार आपको इसी तरीके से पोस्ट लिखने हैं। एक पेज है जिसको हमने होम पेज पर सेट कर दिया है, अभी आपको सिर्फ पोस्ट लिखने हैं। पोस्ट आपको चार पांच नहीं तो दो चार डाल दो, और उसके बाद एडसेंस के लिए अप्लाई भेज दो, और उसके बाद एडसेंस अप्रूवल भी आपको बहुत ही जल्द अच्छी तरीके से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको काम करना है, और उसके बाद अनलिमिटेड ट्रॉफिक आता रहेगा आपके ब्लॉग पर, आपको ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फुल ट्यूटोरियल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि पेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, साथ ही सर्च कंसोल के बारे में बताएंगे, साथ ही आपको जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो होता है ना माइक्रो निश, इस तरीके से माइक्रो निश डोमेन पर आप काम कर सकते हो, बहुत ही तगड़ा टॉपिक आता है। तो अगर बात करें तो ये वेबसाइट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है सेम मैंने जैसे क्रिएट किया है उसी तरीके से वेबसाइट है। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा और उसके बाद दो चार आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, और यहाँ पर देख सकते हो एड्स भी आ रही है, और उसके बाद थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए लिंक, और उसके बाद इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, और उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से टाइटल, और नीचे भी उन्होंने यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन टेबल में देकर रखी है। तो आप इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो करीब बात करें तो मेरी पोस्ट कितने वर्ड की है, कितनी वर्ड काउंट, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, साथ ही यहाँ से आउटलाइन का ऑप्शन है, यहाँ से आप देख सकते हो। अगर बात करते हैं ऐसे 3,800 वर्ड की हमारी पोस्ट हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से तो यहाँ पर हमारी बहुत ही बड़ी और अच्छी पोस्ट हो चुकी है, कोई भी डरने की बात नहीं है, और अच्छी तरीके से हमने डिजाइन करने की कोशिश भी की है। तो अगर आपको इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जो भी लाते हैं उसको भी क्लिक कर लेना। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ऐसे हेडिंग वन हेडिंग टू इस तरीके से कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर मैं हेडिंग वन ही कर देता हूँ, तो इस तरीके से मैंने कुछ हेडिंग वन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग वन कर देता हूँ। ठीक है, तो हेडिंग वन इसे भी कर दिया, और बाकी के जितने भी है तो वो हेडिंग टू में रहेंगे। ठीक है, नहीं तो हेडिंग टू ही रहने दो। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से अप कर सकते हो, आपका स्कोर जितना अच्छा होगा उतना बेटर है। तो यहाँ पर जो भी स्कोर आपको बढ़ाने के लिए टिप्स बताए जाएंगे उन्हें फॉलो करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम बताया जा रहा है तो उसके हिसाब से आपको कम ज्यादा कर लेना है, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और उसके बाद फोकस और ये बाद में मैं सेटअप कर दूंगा, जो भी प्रॉब्लम आता है वो आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। तो फुल ट्यूटोरियल हो गया, तो किस तरीके से आपको यहाँ पर जो माइक्रो निश डोमेन होते हैं उन पर कैसे काम करना है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो उनको लाइक कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जो भी लगे उसको भी क्लिक कर लेना। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।